चूंकि पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी नवी आयत जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा खुदा यहोवा तेरे संग रहेगा। और इसी के साथ निकाल लें गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, गिनती 13 और उसकी 30 आयत, गिनती 13 30 आयत, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए प्रार्थना में सरों को झुकाएंगे। आसमान जमीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज सुबह आपके चरणों में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गो कि हम निकम्मे नालायक हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी कमियां पाई जाती हैं, हमने ख्यालन फेलन कॉलन पाप अपराध किए हैं और इसलिए शर्मिंदगी के साथ आपसे क्षमा मांगते हैं और विनती करते प्रभु आप हमें माफ़ करें और हमारे निमंत्रण को स्वीकार करें, हमारे बीच में आए, जीवन की रोटी हमें तोड़ कर दें और हमको बेहतर मसीह बनाएं, ताकि इस दुनिया में रहते हुए हम आपके नाम को महिमा देने पाए। मेरी जबान को छूकर पाकरू से मसा करें, ताकि सिर्फ आप ही की बातें बोल सकूं, सुनने वालों के हृदय कान का खतना करें और पाकरू का मसा दें, जिससे आपकी मर्जी उनकी ज़िंदगियों में पूरी हो जाए। हमारे बीच में यदि कोई किसी मुसीबत परेशानी शैतान के किसी शिकंजे में कस कर आया हुआ है, आज वह यहाँ से आजाद होकर जाए। हम प्रभु एक और पायदान आगे आपकी नज़दीकी में पड़ जाएं, ऐसा आप रहम करें। ये छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर दबा दूँ थोड़ा सा, कि उसके कदमों में फिर हाजिर होने का मौका मिला है और हर हफ्ते हम इंतज़ार करते हैं कब संडे आए और अपने खुदावंद की ओर से आत्मिक भोजन हासिल करें। धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आयतें बड़ी पुरानी हैं, लेकिन बहुत ही जानदार और बहुत ही कुव्वत से भरी हुई हैं। पिछले दिन सोइए, जैसे यहोशू में हमने पढ़ा, यहोशू को खुदा कह रहा है कि देख भाई, तेरा जो अगला लीडर था मूसा, मेरा दास, मर चुका है, अब तू ज़मीन को बंटवारे के लिए चल, कब्ज़ा कर, ये कर, वो कर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी तेरे काम सौंप दी है। और आप सभी को मालूम है, क्योंकि इस पर हमने जने कितनी बार प्रचार किया हुआ है, लेकिन जिस एंगल से आज कहना चाहता हूँ उसको आप देख लीजिएगा। बस नमियत में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? इसी स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, किसने आज्ञा दी है? यहोशू तुझे इस काम के करने की किसने दी है? वो कह रहा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? कोई शक है, कोई परेशानी है? और मैं अगर किसी को काम दूं तो समझ लो उसका कितना बड़ा खुश नसीबी होती है। एक हमारे भी सिर्फ एक दुनियावी इंसान के ये कहने से आइए जरा, ऐसा होता है किसी को एक छोटा सा काम दे दो तो फिर अपने आप को कुछ समझने लगता है, उसमें कड़ा जाती है कि मैं बाकियों से तो फालतू हुई हूँ, बाकियों से नहीं कहा, मुझसे कहा। कई बार ऐसा होता है कि किसी को एक छोटा सा काम दे दो, चाहे झाड़ू लगाने का ही दे दो, मुझे कितना बड़ा शर्फ हासिल मिला, झाड़ू मुझसे लगवाई, किसी से नहीं लगवाई, तो मैं तुम्हारे पर आऊँ, तुमसे तो ऊँचा हुई हूँ। जब हम लोग कॉलेज में थे, एक बहुत ज़बरदस्त एक मिनिस्ट्री होती थी और वो होती थी चंदा लेने वाली। जिस लड़के को मौका मिलता था कि भाई चर्च में संडे को चंदा लेगा, वो तो टेनोपॉल से धो धवा के, प्रेस करके, नहा धो के, बाल काट के, जुल्फे छल्ले लटका करके, जाने कितनी तैयारी करके आता था, अरे भाई मुझे चंदा लेना। जब वो गाना होने लगता था ना कि अब चंदा उठाया जाएगा, उस समय तो सारी पैंट कमीज सही कर कर आके बाथरूम में जाकर ऐसा सेट होकर टें होके आता था कि क्यों चंदा लेना।
इतना बड़ा सम्मान है ऑफरिंग, भाई वो डंडा लेकर के चलेगा और थैली कलेक्ट करके लाएगा। होता है ऐसा, खुदावंद कह रहा है यहोशू क्या मैंने तुझे नहीं भेजा चंदा उठाने नहीं, झाड़ू लगाने नहीं, एक आयत पढ़ने नहीं, एक गिलास बाद में पानी का गर्मियों में पिलाने के लिए नहीं, चाय डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं, मैंने तुझे इस बड़े काम के लिए भेजा है कि कनान देश में जाकर कब्जा कर और इसराइलियों को उनका पोजीशन दिलवा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? देख अपना तेरा प्रिविलेज क्या है, तेरा सम्मान क्या है। तुझको भेजने वाला कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, तुझको भेजने वाला मैं यहोवा हूँ। तो इसलिए वो कह रहा है यहोशू याद कर, क्या तुझे मैंने आज्ञा नहीं दी? हे आह्वान का दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा खुदा यहोवा तेरे संग रहेगा। हे आह्वान का दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा है? एक इंसान है जो भेजता है या जो सपोर्ट में रहता है, उसकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा असर होता है। जब एक छोटा सा आदमी, एक छोटा सा चपरासी जब आपके पास एक सम्मन लेकर आता है बड़े हाकिम का, मजिस्ट्रेट का, तो उससे कहता, जिसके पास आता, आइए आइए बैठिए, अरे पानी पिलाना है ने, अरे चाय पीजिए, वो कह रहा है नहीं नहीं भाई, मैं तो आपको नोटिस देने आया हूँ कि कोर्ट में हाजिर हो जाना। नहीं, सब ठीक तो है, अरे क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो, बैठिए तो सही। एक जरा सा सिपाही, छोटा सा, नीली सफ़ेद वर्दी पहने चौराहे पे खड़ा रहता है, एक ज़रा सा इशारा करता, सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ट्रक फुल स्पीड में आने चीयू करके ब्रेक मार के वहीं रुक जाती हैं। क्या है भाई? एक अथॉरिटी, मैं नहीं हूँ अथॉरिटी, जो मुझे भेजने वाला है, जिसने वर्दी पहनवाई है, जिसने मुझे आई कार्ड दे रखा है, जिसने मेरा अपॉइंटमेंट कर रखा है, जिसने मुझे इस काम के लिए खड़ा किया है। कई बार यहाँ दिल्ली में होता रहता है, ट्रैफिक जाम होता है, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब कोई मिनी बस आ रही हो, कोई प्राइवेट बस जा रही हो, और जाम लगता है तो उसका कंडक्टर उतर के भागता, दो चेला चपा, खटखट खटखट, जयपुर मादीपुर जो आवाज़ें लगाते हैं ना फटाफट, वो उतर के बारह, अरे रुक जाओ भाई साहब, रुको रुको आप, रुको आप, ऐसा लगता कितने अच्छे समाज सेवी हैं ये, ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, अरे उनकी गाड़ी पीछे खड़ी है, उसे निकलवाना है बस, रुको भाई साहब, रुको भाई साहब, क्या कर रहे हो, रुक जाओ थोड़ा सा भाई, आप रुक जाओ, अच्छा चलो तू निकल जा। वो सिर्फ अपनी बस निकलवाने के लिए रास्ता बनवा रहे हैं, और जहाँ उनकी बस आए उनने खटखट 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 डंडा पकड़ा, ये जार वो जब, बाकी तुम फिर फंसे रहो, है ना। ये हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाए, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाए और अगर पीछे भाई ना, पीछे पीछे यार, रसीद ना काट दे, चलो। अब इस नीली वर्दी वाले का बड़ा जलवा है, इसने कहा रुक जाओ तो सब रहो, जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, चलो जल्दी जाओ, ताएं 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 सीट, रुके रहो रुके रहो, चलो। सब डिसिप्लिन में आ गए, सब मान गए, क्यों? अरे इसको भेजने वाला जो है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इसको कमिश्नर पुलिस ने भेजा है, इसकी चलती है। तो एक जरा से डीएम की, एक जरा से मैनेजर की, एक जरा से अधिकारी की, एक थानेदार की दरोगा कितनी चलती है, तो सोचो जिसको खुदा ने भेजा है। वो कह रहा मैंने नहीं अपॉइंटमेंट किया तेरा, अरे मत कच्चा हो, तेरा मन दृढ़ हो जा, हिम्मत बांध, क्योंकि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, और जब मैं भेजने वाला हूँ तो फिर समझ ले कोई अटकेगा नहीं तुझसे, केवल आईडी दिखा देना, ये रहा मेरा आई कार्ड भाई साहब, ये मेरी पोस्ट है और ये डिपार्टमेंट है जिसने मुझे भेजा है, जिसको कहते हैं सेनाओं का यहोवा। तो यहोशू सुन, मैं तुझे भेज रहा हूँ, हियाव बांध का दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा खुदा यहोवा तेरे संग रहेगा। मैसेज बताता है, बाइबल बताती है, जहाँ जहाँ जिस जमीन पर तेरे कदम पड़ेंगे, तेरे सोल पड़ेंगे, वो सारी जमीन तेरी होती जाएगी। जिस पर तूने पैर धर दिया वो कब्जा तेरा। एक एक्शन होता है, जिस चीज पे कदम है, जैसे जहां तू पैर रखेगा
वो जमीन, ये है मतलब जहां जा तुम चलाए, जहां जा धर दिया वो तुम्हारा है। तो यहोशू इस बात को ध्यान रख, तेरा भेजने वाला मैं हूं और जिस जिस जगह तू अपने कदम रख देगा वो जगह तेरी हो जाएगी। इसलिए तेरा मन कच्चा ना हो, ना इनसे डर, ना किसी बात की चिंता कर। ठीक, ये बात क्या केवल यहोशू से है? जब हम मैसेज में की रोशनी में देखते हैं तो कनान देश अर्थात पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा कोई दुश्मन नहीं जिस पे कब्जा करना है, पवित्र आत्मा हमारे लिए वो ब्लेसेड रेल्म है, एक अय्याम है जिसमें हमें बहुत सारे पोजीशन, बहुत सारी चीज़ें मिलना है। लेकिन इसको पाने के लिए खुदा ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें ये देता हूँ। जिस समय मिस्र में थे इसराइली लोग, खुदा ने क्या कहा था मूसा से कि मूसा मैंने तुम्हारे बाप दादे इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वादा किया था कि मुल्क कनान तुमको तुम्हारी औलादों को दूंगा, वो समय आ चुका है क्योंकि मैंने कनान देश तुम्हें दे दिया है, इसलिए अब जाओ और जाकर कब्जा करो। तो पूछो कि इसराइलियों, आप जो मिस्र की गुलामी से निकल के आ रहे हो 20 लाख, किस लिए निकल के आए हो? क्या पर्पज है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो? क्या करोगे? कहाँ बसोगे? कहाँ मकान बनाओगे? कहाँ नौकरी बिजनेस करोगे? सबका एक जवाब था, हम जा रहे हैं कनान देश जिसे फलिस्तीन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहोवा खुदा ने हमारे बाप दादों से वादा करके वो हमें दे दिया है। अब हम जा रहे हैं उस पर कब्जा करने और वहीं रहेंगे, वहीं बसेंगे, वहीं जिएंगे, वहीं मरेंगे। तो इसमें कोई शक कुछ नहीं, भैया कहाँ रहेंगे, कहाँ बसेंगे, क्या खाएंगे, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनान देश जा रहे हैं, वहीं बसेंगे, वहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे खुदा ने प्रॉमिस कर दिया है, ये देश मैंने तुम्हें दे दिया। इसलिए उसको कहते हैं प्रॉमिस्ड लैंड, उसका नाम ही प्रॉमिस्ड लैंड है, क्योंकि खुदा ने प्रॉमिस किया है, वादा किया है, ये देश मैं तुम्हें दूंगा नहीं, दे दिया है, जाओ और जा करके इस पे कब्जा कर लो। और जब ये कब्जा करने चलते हैं तो केवल अकेले ही नहीं जा रहे हैं, इससे पहले कि छुटकारा हो अर्थात गुलामी से निकल के बाहर आए, खुदा ने उनको 3 चीज़ें प्रदान करी थी। ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, खुदा ने अपना वचन दिया था, प्रॉमिस दिया था, कलाम वर्ड। नंबर 2, खुदा ने उनके पास एक प्रॉफिट दिया था कि ये तुम्हारी अगुवाई करेगा। और नंबर 3, एंजल ऑफ द लॉर्ड, फरिश्ता दिया था। ये 3 जो हैं, वर्ड ऑफ गॉड, प्रॉफिट ऑफ गॉड एंड एंजल ऑफ गॉड, ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी अगुवाई करेंगी और आपको ले जा करके प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंचा देंगी। इसको नोट कर लेना, वर्ड ऑफ गॉड है, ये एग्री करता है प्रॉफिट से और प्रॉफिट एग्री करता है वर्ड ऑफ गॉड से। एंजल ऑफ द लॉर्ड सहमत है पूर्ण रीति से खुदा के कलाम से और खुदा के नबी से। ये जो 3 चीज़ें हैं, वर्ड ऑफ गॉड, एंजल ऑफ गॉड एंड द प्रॉफिट ऑफ गॉड, ये 3 आपस में ऐसे मिले हुए हैं, इनकी आपस में ऐसी सहमति पाई जाती है कि 3 में से कोई भी किसी के विरोध में नहीं है। आपकी अगुवाई करने के लिए खुदा का कलाम दिया जाता है, चलो 20 लाख लोगों, ये रहा खुदा का कलाम, तुम्हारी अगुवाई करेगा। कोई प्रॉब्लम आती है चिंता ना करो, ये है प्रॉफिट ऑफ गॉड जो खुदा के कलाम में होता हुआ आपकी अगुवाई करेगा। और अगर कोई समस्या आ जाए, मुसीबत आए, चिंता मत करो, ये रहा एंजल ऑफ द लॉर्ड, ये भी उसी रोशनी में होता आपकी अगुवाई करेगा। ये 3 का डायरेक्शन एक ही है, 3 का मकसद एक ही है और 3 का काम एक ही है, इसराइलियों को कनान देश में पहुंचा देना और वहां पर कब्जा दिलवा देना। थीम समझ गए? आप दुनिया के अंत में हैं, आप डिलीवरेंस के आसपास हैं, रैप्चर के आसपास हैं, आपको रैप्चर में पहुंचाने के लिए, आपको मंजिल तक ले जाने के लिए क्या आपको वर्ड ऑफ गॉड दिया गया है? क्या आपके पास प्रॉफिट दिया गया है? आज का प्रॉफिट होली घोस्ट, याद रखना। कभी सोचो भाई ब्रैनहम तो चले गए 65 में, आप कहाँ है प्रॉफिट? होली घोस्ट इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड, वो है कि नहीं है? और एंजल ऑफ द लॉर्ड आपके साथ है कि नहीं है?
कभी दिखाई देता कभी नहीं दिखाई देता, कभी कैसा कभी आग कभी गंदा कभी ज्योति कभी फायर कभी ये कभी वो होता है ना। कितनी बार आप लोगों ने तजुर्बा किया है, दुनिया जहान में खूब कर रखा है। तो याद रखना, अगर इसराइलियों के साथ तीन पर्सनैलिटीज थी ले जाने वाली, तो आज आपके और मेरे साथ भी वही सेम प्रोसेस चल रहा है जाने का। और जिस प्रकार से यहोशू से कहा था तेरा मन कच्चा ना हो, यू मान सकते हैं चलो मिस्र से निकले थे उस समय तो मूसा था, अब मूसा मर गया, भाई ब्रैनम मर गया, अब बॉर्डर पे आ गए। यहोशू की मिनिस्ट्री कहां से शुरू हुई? जब बिल्कुल बॉर्डर के पास आ गए थे, मूसा नबो पहाड़ पे जाके तो मरा था, है ना। अब बिल्कुल बॉर्डर पे आ गए हैं, अब कब्जे पर आ गए हैं, अपनी मंजिल के पास आ गए हैं। जब मंजिल के पास आ गए तो यहां पर जो यहोशुआ, क्या वो प्रॉफिट नहीं है? यहोशू प्रॉफिट था या ऐसे ही था? अगर किसी को शक हो तो नोट कर लो, यहोशू भी नबी था। ऐसा नहीं कि मूसा के टाइम पे खामोश है तो प्रॉफिट नहीं था। एलिया के टाइम पर अगर एलिशा खामोश है तो एलिशा नबी नहीं था, ऐसी बात नहीं। एलिशा भी नबी था, लेकिन वो अपने समय के इंतजार में था। और खुदा तभी इस्तेमाल करता है जब जिसका समय आता है। जब तक मोसेस का टाइम था, खुदा ने यहोशू से कहा अपने फॉलो करता रहे। मूसा का टाइम खत्म हो गया, यहोशू नबी उठ और इनको कब्जा दिलवा। एलिया का टाइम है, एलिशा सेवा करते रहो, साथ साथ चलते रहो, कोई बात नहीं है। एलिशा चला गया, चल भाई एलिशा, एलिया चला गया, चल एलिशा तू प्रॉफिट है, काम को संभाल। योहन्ना चिल्ला रहा है, खूब प्रचार कर रहा है, खूब बपतिस्मे दे रहा है, यीशु मसीह खामोश रहो। योहन्ना का काम खत्म हो गया, यीशु मसीह सीन पे आओ। तो खुदा कभी भी दो मेजर प्रॉफिट को साइमल्टेनियसली एक साथ ला करके कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करता है। वो एक को सीन पे रखता है तो दूसरे को थोड़ा खामोश रखता है, ताकि आपस में कन्फ्यूजन ना हो, आपस में परेशानी ना हो, ना उनमें, उनमें तो खैर नहीं होगी, सुनने वालों में हो जाती है। तो तीन जो थे तब और तीन ही हैं आज, और ये आपस में मिल करके चल रहे हैं और लोगों को ले जा रहे हैं। जैसे बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थियों 13 में लिखा है, कोई भी बात दो या तीन गवाहों के मुख से सच ठहराई जाएगी। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय की पहली आयत में लिखा है कि कोई भी बात दो या तीन गवाह होना चाहिए, एक गवाह की बात सच नहीं मानी जाती है। पता नहीं कहीं वो गुस्से में आकर बदला लेने के लिए कुछ भी ना कह दे। दो गवाह होना चाहिए या तीन होना चाहिए, यहाँ पर तीन गवाह साथ चल रहे हैं। वर्ड ऑफ गॉड भी है, प्रॉफिट ऑफ गॉड भी है, और एंजल ऑफ द लॉर्ड भी है। ये तीन विटनेस साथ चल रहे हैं कि यहोवा के प्लानिंग में ये लोग जा रहे हैं और हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। गड़बड़ करेंगे तो भी हम डांट के हेल्प करेंगे, और सही चलेंगे तो भी हम हेल्प करेंगे। तो तीनों इस रास्ते पर चले जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, जब इतने बढ़िया बढ़िया तीन अगुवाई करने वाले हैं तो कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। हर्षित कह रहा था कि यीशु मसीह को इस शरीर में तो नहीं देखा, चलो शरीर में नहीं देखा, लेकिन उसने अपना लहू बहा करके हमको इसराइली बना दिया, हमको यहूदी बना दिया। लोग कहते अगर मान लो आज यहाँ संडे, आज 25 तारीख को फरवरी को मैसेज प्रीच करने भाई ब्रैनम आए तो कैसी मीटिंग होगी? आज अगर पतरस याकूब यूहन्ना में से कोई गया, भाई आज वो यो ब्रदर यूहन्ना जो है ना 12 चेलों में से एक, आज वो गोशन में प्रचार करेंगे, तो लोगों की क्यूरियोसिटी कैसी होगी? हैं सोने ना सही तो शकल ही देखना चाहेंगे, हैं कैसे, शकल ही देख लो, गोरे हैं कि सांवले हैं, दाढ़ी कैसी, मूंछ कैसी, कपड़े कैसे, आवाज़ कैसी, मोटी भारी पतली, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, इब्रानी में बोल रहे हैं, मैसेज क्या हो तो बाद की बात होगी। लेकिन एक जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि आज जबरदस्त प्रचारक आया हुआ है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग सुनने के लिए आ जाते हैं। जहां पर खुदा का वचन हो, जहां पर नबी हो, जहां पर एंजल हो। अब आप देखिए, लोग कहते तो हाँ हाँ हैं लेकिन दिल से नहीं कहते हैं। आपने सुना था आज सॉन्ग लीडिंग में कहा जा रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, है ना, सुना था आज? यही वैसे ही कहने को कह रहे थे कि चलो कुछ तो कहना ही है, कुछ तो कहना ही है समय काटने के लिए,
लेकिन अगर खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, जो कि पौलुस से बड़ा है, जो इरेनेस से बड़ा है, जो मार्टिन से बड़ा है, जो भाई ब्रैनम से बड़ा है, तो फिर आज सुनने वालों की श्रद्धा और उनका इंटेंशन कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह है। और आप ही लोग अभी कह रहे थे भाई हमें अगुवाई करने के लिए यीशु मसीह है, एंजल ऑफ द लॉर्ड है, पवित्र आत्मा है कि नहीं है। तो जिस ग्रुप की अगुवाई और लीडरशिप पवित्र आत्मा करे, वचन करे, एंजल ऑफ द लॉर्ड करे, वहां तो सब बल्ले ही बल्ले होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ऐसे ही थे ना? आपको अच्छी तरीके से याद है, मिस्र से निकले थे, थोड़ा समय गुजरा था, और तो छोड़े यहोशू के टाइम में भी अभी कुछ कब्जा किया था कि कुछ गोत्रों के स्टेटमेंट सुन लीजिए, बिन्यामीन के गोत्र का सुन लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा इतनी जबरदस्त इन तीनों की अगुवाई में होने के बावजूद भी वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रंबल कर रहे हैं, जो कुड़कुड़ा रहे हैं, जो बुड़बुड़ा रहे हैं, जो ना इत्तेफाकी रख रहे हैं, जो अपने कदमों को पीछे खींच रहे हैं, जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमारे बस का नहीं है। उस समय भी किया था, दे स्टार्टेड रिबेलिंग अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अगेंस्ट द एंजल एंड अगेंस्ट द गॉड एंड अगेंस्ट द वर्ड। Then they got into trouble. जब उन्होंने खुदा के वचन का, नबी का विरोध करना शुरू किया, केवल बोल करके परेशानी में फंस गए। और परेशानी में फंस गए क्यों? क्योंकि 12वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जब मिस्र से इसराइली निकले, एक मिली जुली भीड़ भी उनके साथ निकल पड़ी, मिक्स क्राउड, मिक्स मल्टीट्यूड उनके साथ निकल पड़ी। क्यों निकल पड़ी? क्योंकि वो लोग जो विश्वासी नहीं थे, या काम चलाऊ थे, या केवल दिखावे के लिए थे, उन्होंने जब यहोवा के बड़े बड़े काम होते देखे, उन्होंने जब मिरेकल्स देखे, जब 10 आफतें आती देखी, उन्ना भैया यहोवा है, मान गए यही असली खुदा है, भैया हम भी चलते हैं। क्यों? उन्हें मालूम है सही जगह ही ले जाएगा। जिसने फिरौन जैसे दुनिया के बादशाह के बाजे बजा दिए, अगर वो कह रहा मैं तुम्हें वहाँ ले जाके बसाऊंगा, तो हल्की जगह तो बसाएगा नहीं, मैं ठीक ही जगह बसाएगा। और जब सबको ज़मीन मिलेगी तो छोटी नहीं मिलेगी, अच्छी खासी ही बड़ी बड़ी मिलेगी। तो ऐसा ही यहाँ पे तो अपने पास 250 गज के प्लॉट में मकान बना के नौकरी करके रह रहे थे, चले चलो यहोवा के साथ, वो तो किलोमीटरों में दिलवा देगा। तो बाबूजी पूरी सही अपनी काश्तकारी करेंगे, बढ़िया बारियां लगा के मजे लेंगे और अच्छे खासे करोड़पति बन के रहेंगे, तो यहोवा के साथ निपट ले पट लो। कितनी टाइम है, कितनी देर में पहुंचा देगा? एक हफ्ते ही तो लगेगा भाई, एक हफ्ते का रास्ता तो था। मिस्र से गाजा पट्टी होते हुए कनान देश में जाने में पैदल चलो तो केवल 7 दिन लगते हैं, हम तो महीने भर को तैयार हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भैया एक काम करो, एक महीने तक आपको डेली फास्टिंग करना पड़ेगी, 30 दिन तक, बस रात में एक बार खाना खाओगे, नाश्ता भी नहीं करोगे, अगर ऐसा कर लो तो आपको फिर 2000 गज की एक कोठी दिलवा देंगे ग्रेटर कैलाश में। क्या हम तो 2 महीने की कर लेंगे, अगर ज़्यादा करके ज़्यादा बड़ी मिलती हो ना तो 2 महीने में तो और बड़ी डबल मिल जाएगी। तो मिक्स मल्टीट्यूड जो थी उनके दिमाग में, जैसे आपसे कहा जाए आपको सिर्फ यहां से मेरठ तक जाना, वहां पे काम हो जाएगा, तो मेरठ जाना, मेरठ तो चले जाएंगे, कौन सी प्रॉब्लम है? मेरठ जब का तो पैदल चले जाएं, अगर इतनी बड़ी गिफ्ट मिलना है, छोड़ो बस बस ब्रदर, हम बिलीवर लोग हैं, हम पैदल चलते हैं। तो पैदल चले जाएंगे, क्यों? लालची हैं। ये जो मिक्स मल्टीट्यूड थी, मिलीजुली भीड़ थी, इन्होंने यहोवा के बड़े काम देखे, बड़े प्रॉमिस देखे, और ये देखा इसने प्रॉमिस करा है मैं तुम्हें वहाँ बसाऊंगा, तुम्हें जमीन दूंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहाँ तुम्हें खेत मिलेंगे, वहाँ तुम्हें खलिहान मिलेंगे, वहाँ तुम्हें नदियाँ तालाब तुम्हारे हो जाएंगे। अरे भाई चलते हैं यार, एक हफ्ते का तो रास्ता है पैदल, हम भी भैया जोश, हम भी चल रहे। मान गए भाई, आपका यीशु मसीह का जलवा है और उसके अलावा कोई नहीं है, हालेलुया। तो मालूम पड़ा था सारे मिस्री हालेलुया चिल्ला रहे हैं, यहोवा के जयकारे लगा रहे हैं, क्यों? एक हफ्ते के बाद माला माल हो जाएंगे। उन्हें नहीं पता था 40 साल लगेंगे। रास्ता तो वाकई में 7 दिन का था, और वो पहुंच भी गए थे, और जब पहुंच गए तो मूसा ने कहा एक काम करो भाई, हर गोत्र में से एक एक लिया उसने,
और कहा 12 की टीम बनाई और तुम लोग एक काम करो, ज़रा देश में जाके घूम फिर के पैदल वहाँ का जायज़ा लेकर के आ जाओ, कैसा इलाका, फिर उसी इलाके से अटैक करेंगे और कब्ज़ा करना शुरू करेंगे। गए, देख कर के आए, रिपोर्ट दी, और क्या रिपोर्ट दी, बहुत बढ़िया देश है, बड़ी अच्छी ज़मीन है, मैदानी इलाका है, और भैया गर्मियों में अगर हिल स्टेशन जाना तो पहाड़ भी वहाँ पर हैं, वहाँ पे ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं और रसीले अनार भी पाए जाते हैं, संतरे भी, मतलब तीनों मौसम का इंतजाम ठीक है, गर्मी बढ़िया है, जाड़ों का भी बढ़िया है, बर्फ़ भी पड़ती है, स्कीइंग भी कर सकते हैं, कोट कंबल भी वहाँ चलेगा और कॉटन शर्ट भी चलेगी, सैंडों में भी घूमेंगे, हर प्रकार का मौसम और इलाका, ऊंचा नीचा, पठार, नदी, तालाब, सब कुछ है वहाँ पर, बढ़िया मच्छी खाना चाहो, गलील सागर, ये नदियाँ पदियाँ भी पाई जाती हैं, वेज नॉन वेज का सारा इंतज़ाम है, जगह तो बहुत बढ़िया काम की है। तो चलो ना फिर चलते हैं, चलें जल्दी। हाँ चलते हैं, लेकिन यार एक चीज़ और देखी वहाँ पर, यार लोग बड़े लंबे कद काठी के हैं, एक एक किलो का संतरा होता है वो तो यूँ ही निचोड़ के पी जाते हैं, संतरा लिया सर इसीलिए हैं वो 7-7, 8-8, 10-10 फुट के। अरे भैया सही बताओ, हाँ देख के आ रहे, क्यों भैया है ना, पशूर बोले कि हाँ मैंने देखा था वो तो करीब, मैं सोचता हूँ 11.5 फुट का तो हो गई होगा, नहीं 11 तो था ही था, 11 फुट का आदमी या पेड़, आदमी यार आदमी। अच्छा भैया योशु तुमने देखे ना, तुम तो उस साइड में होकर के आए थे पहाड़ की तरफ ना, क्या हाँ यार 12-12 फुट के तो हमने भी देखे, 5-7 घूम रहे थे वहाँ, इतने बड़े आदमी से लड़ना पड़ेगा तब मिलेगा, क्या भी तो है यार करना पड़ेगा, उनके पास लोहे के रथ हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो डंडे वाले हैं, लाठी डंडा तीर कमान। इस खबर को सुनने के बाद उनके जोड़ ढीले होना शुरू हुए, अरे भाई हमारे बस का नहीं है, वो तो हमें चबा के कच्चा खा जाएंगे, वो तो हमें सीख कबाब बना करके यूँ कर देंगे हमारा काम तमाम, इतने बड़े बड़े हमारे बस का नहीं। और जब ये बात होने लगी तो अभी हमने पढ़ा था ना गिनती 13 उसकी 30 अध्याय आयत में क्या लिखा, यहोशू ने सबको चुप कराने के मनसा से कालेब ने कहा, अरे चुप रहो, खुदा ने हमें दे दी है जगह, खुदा ने हमें दे दी है जमीन, हम कब्जा कर सकते हैं क्योंकि हम में क्षमता है, क्षमता हम में क्या है, क्योंकि खुदा ने वादा किया है, इसलिए वो देश हमारा हो जाएगा, लोग हमसे हार जाएंगे हमारे हो जाएंगे, चलो कब्जा करते हैं। लेकिन बाकी लोग जो डरपोक थे, जिन्होंने कहा हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं, उन्होंने सबका मन कच्चा किया, और अल्टीमेटली जो 7 दिन का सफर था, इस डर के कारण 40 साल का हो गया। चलो बेटा डरपोक लोगों, अब 40 साल तक तुम्हें कब्जा नहीं मिलेगा। लेसन हमारे लिए कि हम लोग जो चल रहे हैं रैप्चर के लिए, हमारे साथ ये तीनों पर्सनैलिटीज़ चल रही हैं, फिर मैं याद दिला रहा हूँ, चल रही हैं कि नहीं, किसी को शक हो तो बता देना कि नहीं भाई आप तो वैसे ही कह रहे, हमारे साथ कहाँ वर्ड ऑफ गॉड चल रहा है, तो मैं फिर समझाऊँ कि कहाँ हमारे साथ प्रॉफिट है, हमारे कोई साथ कोई और प्रॉफिट नहीं, तो फिर मैं समझाऊँ आपको, या कोई एंजल पेंजल नहीं, हमारे साथ तो कोई सा नहीं चल रहा, तो फिर आपको बताया जाए, हमारे और आपके साथ कब्जा दिलाने के लिए, अर्थात विक्ट्री दिलाने के लिए, पोजीशन दिलवाने के लिए, हमारे साथ तीनों पर्सनैलिटीज चल रही हैं आज भी, और वो हमारे साथ चल रही है, तो याद रखना हमारे साथ फिर एक मिलीजुली भीड़ भी चल रही है, और मिलीजुली जो भीड़ चल रही है, इसका काम है मन को निराश करना, दिलों को तोड़ना, मन को कच्चा करना, और किसी प्रकार से ऐसा कर देना कि रिजल्ट हासिल ना हो सके। क्या ये पहली बार हो रहा है? अगर आप मार्टिन लूथर के ज़माने पे जाएं, मार्टिन लूथर जिसके पीछे जस्टिफिकेशन का मैसेज आया और प्रोटेस्टेंट लोगों ने अपने आप को आज़ाद करके बाय द ग्रेस ऑफ होली घोस्ट, वो पवित्र आत्मा का मूव था कि रोमन गुलामी से निकल करके सभी प्रोटेस्टेंट आज़ाद हो गए थे। मार्टिन लूथर अगुवाई में चल रहे थे, मार्टिन लूथर का जो मैसेज था जस्ट शैल लिव बाय फेथ, वो उसके अपने घर का था, वर्ड ऑफ गॉड था,
और मार्टिन लूथर जो प्रचार करता था, जो मैसेज दिया करता था, वो क्या था? उस जमाने का दूत होने के नाते से उसके पास ब्राइडल मैसेज था, उसके पास वर्ड ऑफ गॉड था, और उसको सपोर्ट करने के लिए पवित्र आत्मा बराबर से चल रहा था। लेकिन मार्टिन लूथर के थोड़े समय के बाद क्या हुआ? जैसी मार्टिन लूथर की डेथ हुई नहीं, इमीडिएटली जो मिक्स मल्टीट्यूड उसके साथ निकला है, आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है या मैसेज सुने हैं, वो जानते हैं कि मार्टिन लूथर के अगुवाई में ना केवल लोगों ने कैथोलिक गुलामी इसलिए फेंकी कि उन्हें कोई आत्मिक जगह चाहिए थी, इसलिए कि दुनियावी जो बर्डन था टैक्स का, जो टैक्स देना पड़ता था बच्चों का, पानी का, सड़क का, घर का, मकान का, इसका उसका, उस टैक्स से इतने परेशान थे कि अगर 100 रुपये कमाते थे तो 90 रुपये टैक्स में जाते थे, 10 रुपये में अपने घर परिवार चलाना होता था। इस 90% टैक्स देने से बचने के लिए लोगों ने कहा, हम भी प्रोटेस्टेंट, हम भी क्रिश्चियन, हम भी मार्टिन लूथर के फॉलोअर। ना भाई, जितने मार्टिन लूथर के फॉलोअर हैं वो सब तो हम भी उसी के साथ हैं, कोई नहीं देगा टैक्स, सबका माफ तो अपना भी माफ। ये जो मिली जुली भीड़ थी मार्टिन लूथर के जमाने में रोमन कैथोलिक अत्याचार से बचने के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए, मेंटल टॉर्चर से बचने के लिए, उन्होंने भी मार्टिन लूथर के पीछे लग करके उस भीड़ में शरीक होके प्रोटेस्टेंट बन करके चलना शुरू कर दिया। क्या इनका मकसद वो था जो मार्टिन लूथर ने प्रचार किया था कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा या पैसा कौड़ी से जीवित रहेगा, नौकरी चाकरी से जिंदा रहेगा या नोटों से जिंदा रहेगा? ये वो लोग थे मिक्स मिलीजुली भीड़ जिन्होंने आगे चल के जो मार्टिन लूथर का मैसेज आया था जस्टिफिकेशन का, उसको ऐसा पतला कर दिया, ऐसा खराब कर दिया कि लूथरन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट ही खत्म हो गया। 15th century की बात है, खत्म हो गया। चलो 200-300 साल और निकल गए। फिर खुदा ने एक और बंदा भेजा जिसका नाम जॉन वेसली था, चर्च ऑफ इंग्लैंड के, जो विरोध में खड़ा हुआ, जिसने उसकी सत्ता को उतार फेंका, जिसने बगावत करी। क्यों बगावत करी? क्योंकि उसके पास खुदा का मैसेज आया था सेंटिफिकेशन का, केवल जस्टिफाई विश्वास करके जिंदगी नहीं चला करती है, विश्वास करने के बाद आपकी जिंदगी में पवित्रता भी होना चाहिए। आपको शराब छोड़ना पड़ेगी, आपको गुनाह छोड़ना पड़ेंगे, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, दुआ प्रार्थना करना पड़ेगी, मेडिटेशन में जाना पड़ेगा, वचन का पढ़ना पड़ेगा, आपको संगति में आना पड़ेगा, आपको अपने जीवन से बुराइयों को दूर करके शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा, अन्यथा केवल विश्वास करके बैठने से कुछ नहीं हुआ करता। दैट वॉज द मैसेज ऑफ सेंटिफिकेशन मार्टिन लूथर के बाद जॉन वेस्ली के द्वारा आया। पवित्र आत्मा का मूव था, छठा कलीसिया काल का दूत था, उस समय का दुल्हन का मैसेज उसके पास था, और इसको लोगों ने स्वीकार करा, लाखों की तादाद में आग लग गई पवित्र आत्मा की, और इंग्लैंड जो एक क्रिश्चियन कहलाता तो अच्छा देश, एंग्लिकन चर्च का हमारा रुतबा था, वहाँ से ये सब लोग आउट हो करके गांव गांव, शहर शहर, खेतों में, गलियों में, कूचों में, पहाड़ों में, सब जगह इस प्रकार के ट्रू क्रिश्चियन बिलीवर बन गए जैसा कि पवित्र आत्मा के संदेश ने उनको निकाला था। चलते रहे, बहुत बढ़िया चलता रहा। जैसे ही जॉन वेस्ली सीन से जाता है, उसकी डेथ होती है, कुछ समय गुजरा था, लोगों ने मेथोडिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना करके उस मूव को, जो सेंटिफिकेशन का पवित्र आत्मा का मूव था, जो उनको कब्जा दिलाता, उसको पॉल्यूट कर दिया। आप खुद सोचिए, मार्टिन लूथर के टाइम में जब डार्क एजेस के बाद रिफॉर्मेशन आया, तो खुदा ने जस्टिफिकेशन का मैसेज दिलवाया था, क्या केवल इसलिए था बस जस्टिफाई होकर बैठे रहो, या उसके बाद सेंटिफाई भी हो जाओ, पवित्र आत्मा भी पा लो, और कब्जा करके कनान देश में प्रवेश कर जाओ, अर्थात प्रॉमिस लैंड में पवित्र आत्मा में तुम्हारी पोजिशन सेट हो जाए, अडॉप्शन हो जाए तुम्हारा? एडॉप्शन का मैसेज था ना पिछले संडे, क्या अडॉप्ट नहीं करना चाहता था मार्टिन लूथर के टाइम में खुदावन लोगों को? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि लोग ऑर्गेनाइज हो गए, उन्होंने डिनोमिनेशन बना लिया, संस्था बना ली, और पवित्र आत्मा की अगुवाई को छोड़ करके किसी और दिशा में चलेगा। किसने किया ऐसा? कौन लोग थे वो? मिक्स मल्टीट्यूड। जब मूसा निकल के आया था, यहोशू मूसा
ये सब लोग तो कनान देश जा रहे थे, कौन थे जिन्होंने कहा कि हमारे बस का नहीं है? कौन था जिसने कहा कि हम कब्जा नहीं कर सकते? वो मिक्स मल्टीट्यूड, वो डरपोक लोग, वो समझौता करने वाले लोग थे जिन्होंने मूसा के संदेश को एज इट इज फॉलो नहीं किया। यही मिक्स मल्टीट्यूड होती। आज ध्यान रखना, आपने मल्टीट्यूड तो सुना था बैतसैदा के कुंड पर, उसको छोड़ो, आज ये देखना मिक्स मल्टीट्यूड कहते किसे हैं। क्योंकि मिक्स मल्टीट्यूड ने मूसा की अगुवाई में उस पर प्रोजेक्ट को फेल कराया। मिक्स मल्टीट्यूड ने यहोशू के टाइम में गड़बड़ कराया। मिक्स मल्टीट्यूड ने पीछे बहुत गड़बड़ कराया। यहां तक कि हम देख रहे हैं मार्टिन लूथर के मूव में भी मिक्स मल्टीट्यूड ने लूथरन मूव को भी फेल करा दिया, और लूथरन चर्च बना करके आज तक वो ऐसी डब्बा सा पीट रहे हैं। यही मिक्स मल्टीट्यूड थी जिन्होंने जॉन वेस्ली के पवित्र आत्मा के मूव को, अभी डायलॉग मेथोडिस्ट को जरा भारी पड़ता है, पवित्र आत्मा को मूव थ्रू जॉन वेस्ली थ्रू मेथोडिस्ट ग्रुप फेल करवाया। किसने? जॉन वेस्ली ने, उसके सच्चे फॉलोअर्स ने नहीं, जो मिक्स मल्टीट्यूड थी। चलिए, उसके बाद एक और पवित्र आत्मा का मूव आया जबरदस्त, जिसे कहते हैं पेंटिकॉस्टल मूव। पेंटिकॉस्टल मूव मींस रेस्टोरेशन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली घोस्ट। भविष्यवाणी लो, अन्य भाषा लो, चंगाई लो, वरदान 9 के 9 लो, और सारा प्रदर्शन देखो। क्यों? अब खुदा चाहता है इस पेंटिकॉस्टल मूव में लोगों को अडॉप्ट करना। पेंटिकॉस्टल मूव एडॉप्शन क्या है? कब्जा दिलाना। जिस कनान देश में आपको ले जा रहे हैं पवित्र आत्मा रूपी, उन चरित्रों में, गुणों में, उन पावर में, अथॉरिटी में आपको पोजीशन दिलवा देना। इस काम को करने के लिए पवित्र आत्मा का मूव चला, जिसको पेंटिकॉस्टल मूव कहते हैं। लेकिन थोड़ा ही चलने के बाद क्या हुआ? लोगों ने, बड़े बड़े लीडर्स ने, अभी तो शुरुआती हुई थी, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 ही चल रहा था कि उस समय के जो ठेकेदार थे उन्होंने एक नियम बना दिया, जब तक तुमने अन्य भाषा नहीं बोली तब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला। और ये एक ऐसा बोया हुआ बीज है जो आज तक लोगों को दुखी कर रहा है। हमसे भी यही सवाल हो रहा था मुरादाबाद में, क्या विश्वास करते? मैंने, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं पूरे 9 के 9 वरदानों पर करता हूँ, तुम अन्य भाषा की बात कर रहे हो, या बुद्धि का, ज्ञान का, समझ का, चंगाई का, भाषाओं का अर्थ बताना, डिसर्नमेंट करना, मैं सारे 9 के 9 पे वरदानों विश्वास करता हूँ। लेकिन जो पेंटिकॉस्टल मूव था वो सही चला, और कुछ समय के बाद उसमें भी मिक्स मल्टीट्यूड थी। ध्यान देना मिक्स मल्टीट्यूड का ध्यान, क्योंकि पेंटिकॉस्टल मूव में मिक्स मल्टीट्यूड थी। क्या ये लोग नॉन क्रिश्चियन थे? हैं, मुसलमान थे, हिंदू थे, जैनी, पारसी, सिख थे, विक्कंस थे, कौन थे ये लोग? देवर ऑल कॉल्ड क्रिश्चियन बिलीवर्स। लेकिन इन्हीं क्रिश्चियन बिलीवर्स जो कहलाते थे, देवर द मिक्स मल्टीट्यूड, और इन्होंने क्या काम करा? देखो भाई, जब तक अन्य भाषा नहीं बोली पवित्र आत्मा नहीं मिला। वो बीमारी आज तक लोगों को परेशान की है, और आज तक लोगों को पवित्र आत्मा मिलने नहीं पा। इस मिक्स मल्टीट्यूड ने इस पेंटिकॉस्टल मूव को भी बिगाड़ दिया, और उन पेंटिकॉस्टल्स को पवित्र आत्मा का कब्जा नहीं लेने दिया। फेल, एक के बाद एक फेलियर चल रहा, एक के बाद एक फेलियर चल रहा। हुआ क्या कि ये वरदानों के पीछे ऐसे लग गए कि खुदावंद के संदेश को ही छोड़ दिया। अब आप बताइए, 9 वरदान है, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखा हुआ है, 9 वरदान है, और पवित्र आत्मा जिसे चाहता है वो वरदान दे देता है। पहला वरदान कौन सा है? बुद्धि का। दूसरा वरदान ज्ञान का। तीसरा विश्वास का। चौथा चंगाई का। पांचवा सामर्थ के काम। छठा डिसर्नमेंट। सातवां कौन सा है? भविष्यवाणी। आठवां अन्य भाषा। नवा अन्य भाषा का अर्थ बताना। सबसे पहला वरदान जो बुद्धि का, तो उसे ताक में रख दिया, ज्ञान को ताक में धर दिया, चंगाई को किनारे हटा दिया, मिरेकल्स को साइड में फेंक दिया। जो 8 नंबर का अन्य भाषा का वरदान था, जो किसी की समझ में ना आए, उसको पकड़ के मेन बैठा दिया। अन्य भाषा के वरदान की कोई इंसल्ट नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये क्या है कि आपको जो 1000 का नोट मिला, जो 2000 का नोट मिला, जो 500 का मिला, उसको तो आपने कह दिया तो बेकार की बात है, और जो 1 का सिक्का था उसको लेके, जिसको ये नहीं मिला उसे कुछ नहीं मिला।
लोग जेब में 2,000 के नोट डाले गड्डियाँ फिर रहे हैं, कह रहे भाई हमारे पास तो 2,000 की ये गड्डियाँ हैं, कहिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम तो भिखारी हो, खाली हो, क्यों? जब तक तुम्हारे पास एक कन है ऐसे कन ही, जब तक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, जब तक अन्य भाषा नहीं तब तक कुछ भी नहीं। नीति वचन में लिखा है बुद्धि के बारे में, विजडम के बारे में सोलोमन कहता है मेक विजडम योर मदर, बुद्धि को अपनी माँ समझ। जिसके पास खुदा की समझ और बुद्धि है ना उसके पास सब कुछ है। आपने तो पढ़ा जी नीति वचन के जो स्टडी करी थी कि बुद्धि का क्या स्टैंडर्ड है, क्या जगह है, क्या पोजीशन है, हैं? जिसके पास बुद्धि उसके पास सब कुछ है, दुनिया उसकी जेब में है। तो कह रहे हैं इसको रहने दो, तो बेकार की चीज़ है, वो अन्य भाषा बोलो जो ना हमारी समझ में आए ना तुम्हारी समझ में आए। कह रहे हैं हर खुदा के मूव में एक मिक्स मल्टीट्यूड चल रही है, और खुदा के मूव को चलाने वाले जो भक्त सज्जन लोग हैं वो नहीं रुक रहे हैं, वो बर्बाद नहीं हो रहे हैं, लेकिन मिक्स मल्टीट्यूड बाकी भीड़ को बर्बाद कर देती है और बाकी भीड़ के रास्ते को रोक देती है और चाल को खराब कर देती है। जब ए नगर पे कब्जा करने के लिए गए यहोशू तो कहा छोटा सा शहर है, 300 लोग चले जाओ काफ़ी है यार, 300 लोग चले जाओ मार मूर के जीत लोग यार, यहूदी हम लोग तो वैसे ही तगड़े हैं और खुदा हमारे साथ है। ये लोग कहना चलो 3,000 चले जाते हैं, चाओ चले जाओ यार सबको क्या जाना, 3,000 चले जाओ जीत जात क्या जाना, लौट के आए रोते हुए भाग तो ना क्या हुआ, क्या भाई हम तो हार गए, हार गए तुम ए नगर से हार गए, और यहोशू जी 36 जन मर भी गए, 36 जन मर गए, आज तक हमने इतने युद्ध किए एक आदमी नहीं मरा, एक आदमी नहीं मरा, एक छोटे से गांव पे कब्जे करने के लिए 36 लोग मर गए, देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्या बात है। ढूंढ ढांड करी, पर्ची निकली, आकान ने यरीहो का चोरी का माल रख रखा, जिसको खुदा ने कहा था ये श्रापित नगर है, जो कोई शहर पनाह को बनाएगा उसका बड़ा बेटा मर जाएगा और जब उसके फाटक लगाएगा तो छोटा मर जाएगा, और ऐसा हो चुका था। 36 लोगों को मरवा दिया एक आदमी ने, पूछो क्या गुनाह था बाकियों का, कुछ भी नहीं था, मरे क्यों? ये भाई साहब की वजह से। कौन? मिस्टर आकान, एक है ना गिटारिस्ट, एकन, आकान को ही एकन कहते हैं, इंग्लिश में थोड़ा फर्क हो जाता है, एकन जो सिंगर है बड़ा फेमस, गुड़गांव में प्रोग्राम हुआ था उसका 2 साल पहले। आकान की चोरी ने 36 लोगों को मरवा दिया। भाई आकान आप क्या ओरिजिनल थे या आप भी मिक्स मल्टीट्यूड थे? मिक्स मल्टी, पहचानते जाइए इन लोगों को, मिक्स मल्टीट्यूड का सैंपल था जिसने 36 लोग मरवा दिए और सारा का सारा मूव रुक गया। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जब मिक्स मल्टीट्यूड एक्शन पे आती है तो सारे कैंप का मूवमेंट रुक जाता है। जब सारे इसराइली जा रहे थे कनान देश में प्रवेश करने और जब कादेश बर्निया पे आए थे तो केवल जो मिक्स मल्टीट्यूड थे वही लोग रुके या सारे रुक गए? सारे रुक गए ना। तो जब कभी भी खुदा के ग्रुप की, खुदा के झुंड की, खुदा की कलीसिया की, चाहे वो यहोशू के टाइम हो, चाहे वो मूसा के टाइम हो, चाहे वो जॉन वेस्ली के टाइम हो, चाहे मार्टिन लूथर के टाइम हो, चाहे पेंटिकॉस्टल टाइम में हो, खुदा के पूरे झुंड की चाल में एक स्थिरता आ जाती है, रुक जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, प्रोग्रेस खत्म हो जाती है, क्योंकि मिक्स मल्टीट्यूड साथ में गड़बड़ कर रही होती है। ये नुक्ते हैं, अगर आप ध्यान दें तो जब मूसा के मरने का टाइम था उससे पहले उसने क्या करा था, कहा कि इससे पहले कि ये काम तमाम हो चलो मैं तुम्हें एक फाइनल लेक्चर दे दूं, तो उसने लेक्चर दिए और जब लेक्चर दे रहा था तो एक बात उसने कई बार दोहराई और वो बात ये थी, देखो जब तुम मिस्र से निकले थे तो यहोवा ने कहा था ऐसा करना लेकिन तुमने उसकी नहीं मानी और तुमने मनमर्जी करी, इसलिए इतने लोग मारे गए, नुकसान हुआ था। जब यहोवा ने कहा था कि चलो कनान देश पे कब्जा करो तो तुमने कहा हमारे बस का नहीं है, तुमने खुदा की बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हें 40 में 40 साल जंगल में खुदा ने टहला दिया।
जब दोबारा गए तो मैंने कहा, खुदावंद कह रहा कि यहोवा तुम्हारे बीच में नहीं है, उत्तर की साइड निकल लो, अब पहाड़ी पे कब्जा मत करो, क्योंकि निश्चय तुम दुश्मनों से हार जाओगे। तुमने यहोवा की बात नहीं मानी और उस देश पे हमला कर दिया। लिहाजा हुआ क्या कि कनानियों ने तुम्हें इतना मारा कि मारते मारते तुम्हें होर्मा तक ले गए और तुम लौट के हार के आ गए। वो याद दिलाता है कि खुदा ने जब ऐसा कहा तो तुमने ये गड़बड़ किया, जब कहा ये नहीं करना तुमने जानबूझ के किया, उसका नतीजा ये हुआ। तो मूसा ने याद दिलाया कि देखो, जब जब खुदा ने इंस्ट्रक्शन दिए और तुमने उसको डिसओबे किया, तब तब तुम्हारी हार, तुम्हारी मुसीबत, तुम्हारी बीमारी, परेशानी और मृत्यु और भटकना ये और चलता चला गया। जब खुदा ने पेंटिकॉस्टल मूव किया और जब तुमने नहीं माना तो देखो उसने भटका दिया। जब उसने सेंक्टिफिकेशन का मूव चालू किया और तुमने नहीं माना, देखो उसने दुनिया में तुम्हें फैला दिया। जब तुमने मार्टिन लूथर की टोटल बात नहीं मानी तो देखो सारी दुनिया में प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी तुम्हें वो मंजिल नहीं मिल पाई। ये सब चलता रहा, क्यों? क्योंकि खुदा ने की बात को तुमने नहीं माना। इसलिए ज़रूरी है कि जो मिक्स मल्टीट्यूड चल रही है, कोई ग्रुप उठता है, जो मिक्स मल्टीट्यूड खुदा की मर्जी के अगेंस्ट अपना कुछ इधर को प्रोग्राम कर देता है, दूसरा ग्रुप उसी में जो सच्चाई पे चल रहा है वो कहता नहीं, हम तो, अब देखो कालिब कह रहा है हम में सामर्थ है, हम कर सकते हैं, कौन हमारे साथ है? उसके साथ भी बहुत सारे, और जो डरपोक है कह रहे हमारे पास क्या नहीं, उनके साथ भी बहुत ढेर सारे, दो ग्रुप हो गए। मूसा कह रहा है कि व्यवस्था खुदा ने दी उसको मानने के लिए, कोरा दातान कह रहा है तूने अपने आप को बहुत बड़ा पावर ले रखी, अपने आप को समझता क्या है, कौन है भाइयों हमारे साथ, तो 250 धूपदान लेकर उसके साथ भी आ गए। अल्टीमेटली होगा ये कि जो होल ग्रुप है, जो होल चर्च जिसे कहते हैं, नबी बताता है जब तक इसराइली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे, देवर द पीपल ऑफ गॉड, खुदा के बंदे थे लेकिन गुलाम थे, लेकिन जब वो मिस्र से बाहर निकल आए, कॉल्ड आउट पीपल होगा, देवर दी चर्च ऑफ यहोवा, बाहर निकलने के बाद कलीसिया हो गए, तो खुदा के बहुत सारे लोग हैं लेकिन जो निकल के आ जाते हैं वो चर्च बन जाते हैं। इन्हीं के बीच में एक ग्रुप हो जाएगा जो कि एक विचारधारा का है और दूसरा ग्रुप हो जाएगा जो दूसरी विचारधारा का है, और टोटल ओवरऑल काम क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, मंजिल आपकी दूर हो जाएगी, जो आपका उद्देश्य था वो आपके हाथ से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि मिक्स मल्टीट्यूड ने ये वाला काम करा है, शुरू से करती चले आई है और आखिर तक ये करते चलेंगे। तो कादेश बर्निया पे जा करके वहाँ पे ट्रायल फिर होने लगता है। एक बढ़िया बात है, दे कम टू द प्लेस ऑफ कादेश बर्निया। कादेश बर्निया पे 7 दिन का सफ़र करके जब आ गए थे मिस्र से निकलने के बाद, वहाँ पहुँच गए, दैट वॉज द जजमेंट सीट वे ट्रायल्स मस्ट बी सेटल्ड। कादेश बर्निया वॉज द टेस्टिंग टाइम। हर एक जन जो खुदा के पास आता है, कोई एक्सेप्शंस नहीं है, हर किसी की टेस्टिंग होना ज़रूरी है, हर किसी को कादेश बर्निया के जजमेंट सीन से गुजरना ज़रूरी है, और वहाँ पर आप फेल होंगे पास होंगे ये तो आपका रिजल्ट बताएगा। केवल उन्हें दोषी ना दें, अपने पे आइए। आप भी अगर यीशु मसीह के पीछे चलने को आए हैं तो बिना टेस्टिंग के आप भी नहीं छोड़े जाओगे, आपको टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तिस्मा हुआ तुम्हारा, शैतान तुम्हारी अच्छी क्लास लगाएगा, तुम्हारी पूरी रेल बनाएगा, जने क्या क्या करेगा, फिजिकली, मेंटली, मॉरली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर प्रकार से तुम्हें टॉर्चर करेगा ताकि जिस रास्ते पर तुम निकले उद्धार के उससे तुमको वापस कर दे, इससे पहले कि तुम्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की छाप लग जाए। कादेश बर्निया पे जाना पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। क्या कादेश बर्निया पे केलावर वो यहोशू थे? कादेश बर्निया पे यहोशू था कि नहीं? कालेब था कि नहीं? मूसा था, और बाकी गोत्रों के प्रधान थे, और 20 लाख थे, और ये सवाल केवल 12 लोगों के आगे था, सबके सामने था। आगे बढ़े या पीछे हटें,
तो काले बचोगे तुम भी नहीं, तुम्हें भी अपना फैसला सुनाना पड़ेगा, तुम्हें भी अपना एक्शन करना पड़ेगा, यहोशू तुम्हें भी अपना एक्शन दिखाना पड़ेगा, और 20 लाख सुनो तुम्हें भी दिखाना पड़ेगा, और आदेश बनने पर अगर गोशेन खड़ा हुआ है तो भाई जो तुम्हें भी अपना एक्शन बताना पड़ेगा, और चर्च के हर मेंबर को अपना रिएक्शन देना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? चाहते नहीं हैं, आप क्या करते हैं? एक्शन करके दिखाइए। कादेश बर्निया से कोई बच नहीं सकता, और कादेश बर्निया के जजमेंट सीन पे द केस हैज टू बी सेटल्ड। क्या है सेटल्ड? बहुत जानदार बात है, जबरदस्त बात है। कादेश बर्निया पे आपकी मंजिल का फैसला हो जाता है। ये मत सोचना 40 साल के बाद फैसला होगा, इस पे ध्यान देना जरा। कभी लोग जिन्होंने कहा था हमारे बस का नहीं है, उनकी किस्मत का फैसला उसी दिन हुआ या 10 साल 20 साल 15 साल 30 साल 40 साल के बाद हुआ? और जिन्होंने कहा था हमारे बस का है, हम कब्जा करेंगे, वी आर मोर देन एबल टू कॉन्करर, उनकी मंजिल का फैसला उसी दिन हुआ या 40 साल के बाद हुआ? तो कादेश बर्निया पे केस हैज टू बी सेटल्ड। ये नहीं कभी तो पहली पेशी कादेश बर्निया पे, बाद में हम ठीक हो जाएंगे। बड़ी डेंजर, जब मैंने पढ़ी मैं हिल गया, मैं बताऊं मैं हिल गया। अगर कादेश बर्निया के बाद फिर दोबारा मौका मिलेगा, मान लो एक महीने बाद, एक साल के बाद, तो तब तक हम तौबा करके ठीक हो जाएंगे। दो साल के बाद फिर संजय मौका मिलेगा, तब ठीक हो जाएंगे। 10 साल के बाद क्यों? 40 साल का सफर है, 40 साल में जाने कितने चांसेस मिलेंगे, हम रिपेंट करके तौबा करके ठीक हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, कादेश बर्निया केवल एक बार होता है, 100 बार नहीं होता। उस दिन तो नहीं मरे लोग, उस दिन तो नहीं मरे कादेश बर्निया पे, लेकिन उनका जजमेंट हो गया कि नहीं हो गया? इस 40 साल के अंदर इस सफर में चाहे कुछ चील कौओं ने खाया, चाहे गिद्धों ने खाया, चाहे जानवरों ने खाया, चाहे कब्र मिली चाहे ना मिली, चाहे दुश्मनों ने मारा, चाहे लाशें उनकी जंगल में सड़ती रहे, कुछ भी होता रहा हो, बहरहाल कनान देश नहीं पहुंचने मिला। क्यों? क्योंकि कादेश बर्निया पे उन्होंने हाँ या ना कर दिया था, हो चुका था। आ जाइए गोशेन का कादेश बर्निया। खुदा ने यहाँ भी तीनों भेज रखे ना, रैप्चर में जाने की उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। आपके सामने भी सवाल आते हैं, आपके सामने भी समस्याएं आती हैं, आपके बीच में मिक्स मल्टीट्यूड अपना वर्डिक्ट देती है, और आपके दिल से आपका वर्डिक्ट भी निकलता है। याद रखना, जिसने गोशेन के कादेश बर्निया पे ये जवाब दे दिया हमारे बस का नहीं है, भाई बहुत मुश्किल है इस काम को कर पाना, उसका फैसला हो गया, कादेश बर्निया हो गया। उसके बाद बैठे रहो गोशेन में, आते रहो, चलते रहो। याद रखना, कादेश बर्निया कोई बाहर नहीं है, कादेश बर्निया आपके यहाँ है, यहाँ से फैसला होगा। जब मान लीजिए खुदा ने कहा कि बहन जी बाल नहीं कटाना है, अगर कनान देश में जाना है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है कादेश बर्निया पे, आपने ऊपर से तो कुछ नहीं कहा, अंदर कहा, लेकिन हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। कर दिया कादेश बर्निया पे आपका कल्याण। जब कहा कि बहन जी स्लैक्स नहीं पहनना है, ये मैसेज के हिसाब से गलत है, ये कौन बोल रहा है? एंजल ऑफ द लॉर्ड बोल रहा है, वर्ड ऑफ गॉड बोल रहा है, या प्रॉफिट ऑफ गॉड? कौन कहता है ये बातें? तीनों कह रहे हैं ना। और आपसे जब कहा जा रहा है ये नहीं तो नहीं, और आपने अगर दिल में कहा नहीं हम तो करेंगे, तो भाई साहब आप यहोशू के साथ उस पार्टी में हैं या उन 10 के साथ उस पार्टी में कि नहीं हम तो करेंगे, हमारे बस का नहीं? भाई साहब, भाइयों, लंबे बाल नहीं रखना है, ये उठ पटांग हरकतें नहीं करना है, दुनियादारी की फैशनबाजी उठ पटांग चीज़ें नहीं करना है। कह नहीं, ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते ऐसा है। ठीक है, कहने दो इन्हें, कहने के कहने से क्या होता, हम तो करेंगे। आपका कादेश बर्निया पे हो लिया, आप उसके बाद 40 साल चलते रहो, मन्ना खाते रहो, मन्ना खाते रहो, मीटिंग करते रहो, बरकतें लेते रहो, सब कुछ करते रहो, लेकिन याद रखना आपका फैसला हो चुका, रिकॉर्डेड हो गया। मैं आज ये कहूँगा आपसे, इस रूप में आज पहली बार मैसेज आ रहा है,
इस कादेश बर्निया को प्रचार तो हमने खूब किया लेकिन इस रूप में आज तक नहीं किया, और अगर आज इस रूप में आ रहा तो याद रखना ये कादेश बर्निया ही आज हो रहा है। फिर पीछे की माफ़ी चल जाएगी, नहीं तो आप कह सकते हैं भी भैया हमने तो रिफ्यूज़ किया 10 बार तो हम तो ख़त्म हो गए। मैं कहूँगा ग्रेस ऑफ गॉड की पतली गली देख लो आज भी, कि आपने पिछली बार खूब हुकूमदूली करी है, आपने खूब विरोध किया है, आपने खुद डिसोबे करा है, लेकिन चलो इस रूप में कादेश बर्निया का मैसेज कभी नहीं आया था, अब नहीं चलेगा। सुनिए ध्यान से, कादेश बर्निया पे जिन लोगों ने मैसेज ऑफ द लॉर्ड को रिफ्यूज करा उनका जजमेंट हो गया, और क्या फैसला हुआ उनका, तुम कनान देश में नहीं पहुंच पाओगे। छोटा मैसेज है, चिंता ना करें, प्रैक्टिस भी है। तुम कनान देश में नहीं पहुंच पाओगे, फैसला हो गया था कादेश बर्निया पे उनका, जिन्होंने रिफ्यूज किया खुदा के वर्डिक्ट को। खुदा का प्रॉमिस था ना कि मैं तुम्हें कनान देश दे रहा हूं, इन्होंने वो प्रॉमिस लेना पसंद किया, दे दो बिना फैसले के, ना फैसला करना पड़ेगा। अनंत जीवन दे दो बिना बपतिस्मे के, अनंत जीवन दे दो बिना सैंक्टिफाइड लाइफ के, अनंत जीवन दे दो बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के, अनंत जीवन दे दो बिना चर्च जाए, अनंत जीवन दे दो बिना दुआ करे, बिना बाइबल पढ़े मिलेगा? कनान देश तो दे दो, सबको चाहिए था, 20 लाख को चाहिए था, कनान देश दे दो, कनान देश दे दो, कनान देश दे दो। एक कंडीशन है, कादेश बर्निया पे अपना फैसला बस सुनाओ, कादेश बर्निया पे अपना फैसला सुनाओ, जैसे बपतिस्मे के लिए करना पड़ता अपना फैसला सुनाओ, लेना है कि नहीं लेना है, चर्च आना है कि नहीं आना है, कम्युनियन लेना है कि नहीं लेना है, गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करना है कि नहीं करना, वचन पढ़ना कि नहीं पढ़ना, चर्च अटेंड करना कि नहीं करना, दुआ करना कि नहीं करना, ये वर्डिक्ट सुनाना पड़ते हैं, मुँह से तो कहना ही पड़ते हैं। खुदा तो उस वर्डिक्ट को कंसिडर कर रहा जो आप दिल में कर रहे हैं। तो जब आपसे पूछा गया, कहा गया, बहुत हुआ, हमने भी डांट फटकार खूब मारी है, सब कहा सुनी हमने भी करी है, आज हम इसको यूं मान लेते हैं, चलो भूल चूक लेनी देनी पीछे की गई, आज के बाद से तो आप भी नहीं बच पाओगे, आज के बाद से आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाओगे, ये कह के हमारी मर्जी, हमारी मर्जी कर लो, आपकी मर्जी, कादेश बर्निया है भाई, अब तो कादेश बर्निया पे जिन्होंने रिफ्यूज किया मैसेज ऑफ द आर, जब उनसे कहा जा रहा था कि चलो कनान देश पे चलते हैं कब्जा करने, चढ़ाई करने, तो किसका संदेश था, ये खुदा का था या मूसा अपनी तरफ से ले आया था? और जिन्होंने कहा हमारे बस का नहीं, उन्होंने खुदा की बात टाली है, खुदा मूसा की? तो जब खुदा ने कब्जा देने के लिए कहा करो और तुम कह रहे हम नहीं करते, तो भैया तुम्हें मिलेगा फिर कब्जा? नहीं मिलेगा ना। याद रखना, खुदा ने जो चीज़ आपको देने का वायदा किया है, अगर आपने मन से, मैं मुंह के बाद फिर कह रहा हूँ, मुंह की छोड़ दो, जो चीज़ खुदा ने प्रॉमिस करी है गोशेन से, अगर आप अपने दिल में कहते हो हमारे बस का नहीं है भाई, ये प्रॉब्लम, ये असंभव है, ये जायज़ नहीं है, या ये हो नहीं सकती है, याद रखना आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी ज़िंदगी में, लिख लो इस बात को, कभी नहीं मिलेगी। अगर खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हें रिवाइवल दूंगा, सुनिए, अगर खुदा ने कहा है कि मैं रिवाइवल देना चाहता हूँ, और आपने कहा रिवाइवल कैसे आ सकती है, आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। खुदा कहता मैं डिवाइन हीलिंग लेकर तुम्हें देना चाहता हूँ, डिवाइन हीलिंग ले लो, कहो डिवाइन हीलिंग अब ऐसे क्या, अब छोड़ो बाद में देखेंगे, तो आपको कभी नहीं मिलेगी डिवाइन हीलिंग, मिलने वालों को मिलती रहेगी। खुदा कहता है मैं आया हूँ तुम्हारे गुनाह क्षमा करने के लिए, तुम्हारी कमज़ोरियाँ, यहाँ तुम कमज़ोर इंसान हो, ऐसा नहीं कि तुम फरिश्ते हो, तुम सारे कमज़ोर इंसानों में जानता हूँ तुम्हारे अंदर कमी है, मैं उन्हीं को तो दूर करने आया हूँ। कहाँ तक प्रभु आप दूर करोगे हमारे पास, हम तो पुतला हैं पड़े, सारी गलतियों अपराधों पापों का, ये तो प्रभु बड़ी मुश्किल बात है, ये मैं सोचता हूँ कि शायद नहीं कर पाओगे आप, तो चलो तुम्हारी नहीं होगी, फिर तुम्हारी नहीं होगी क्योंकि तुम एग्री नहीं कर रहे हो। मान लीजिए तुम्हारे अंदर बहुत घमंड पाया जाता है, और मैसेज आया खुदा की तरफ से कि चलो भाई आज तुम्हें अपने चरित्र को सुधारने का मौका है, तौबा करके घमंड से छुटकारा पा लो।
अरे यार फिर देखेंगे, अभी तो बात अटकी हुई है, पहले वो बात निपट जाए, उसके बाद फिर ऑल्टर कॉल पे आएंगे। अब तुम्हारा घमंड कभी नहीं जाएगा तुम्हारी जिंदगी से। याद रखिए, आपके पास बहुत सारे पोजीशंस हैं जो खुदा दिलाना चाहता है आपको। कनान देश आपको प्यार देना चाहता है, सेवा देना चाहता है, नम्रता। अब आपने पढ़ा था नहीं, पैशन टू प्लीज गॉड, पैशन टू नो मोर अबाउट गॉड, बर्डन फॉर द लॉस्ट सोल। पवित्र आत्मा का फल प्रभु देना चाहता कि नहीं, प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता सही है। अब ऐसे कैसे हो सकता है सभी से प्यार करें ना, मेल कराने वाला है, मेल सबसे हो सकता भाई, लेकिन उनकी बात नहीं करो, बस वो हम नहीं भूल सकते। तो आपका मेल जिंदगी भर कभी होगा ही नहीं, उनसे तो होगा नहीं, खुदा से भी नहीं होगा। धीरज, कितना धीरज धरें, कितना धरें, हर आफ्टर ऑल हर चीज़ की हद होती है। पत्रस ने पूछ लिया, प्रभु मैं कब तक माफ़ करूं, सात बार तक, सात में कंप्लीट हो जाता ना केस, कोई मेरा अपराध करे तो सात बार तक क्षमा कर दूं, उन्हें सात के सत्तर गुने तक। ये नहीं हो सकता, तो चल तेरा कभी भी नहीं होगा, तेरा कभी भी नहीं होगा। यदि तुम दूसरे के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे भी नहीं किए जाएंगे। मत करो दूसरे के, सारी उम्र तुम्हारे भी नहीं होंगे। समझ रहे हो आसिफ भाई, कादेश बनिया इज अ वेरी डेंजरस स्पॉट। अब तक तो निकल गई गाड़ी, जैसे भी चल गई चल गई, लेकिन खुदावंद ये कह रहा है कि मैं तो हिल गया, मैं सही बताऊं हिला पड़ा हूं मैं नीचे तक। जिन्होंने अपने मन में खुदा के प्रॉमिस को रिफ्यूज कर दिया कि हमारे बस का नहीं है, उन्होंने क्या गाली दी थी खुदा को? गाली दी थी किसी ने खुदा को? मूसा को किसी ने गाली दी? यहोशू को किसी ने गाली दी? किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने अपशब्द नहीं निकाले, किसी ने बुरा भला नहीं बका, बस ये कहा और कहा को छोड़ो, छोड़ो कहा को। आज तो सोचने वाली बात हो रही है, उन्होंने दिल में सोच लिया ये फिजूल का प्रोजेक्ट है, ये बेकार है, हमारे बस का नहीं, ये फिजूल का काम दे रहा है हमें कि चलो हम नहीं करेंगे। किसी से मुंह से तो नहीं कहा, लेकिन दिल में कहा हम नहीं करेंगे, हम ये बात नहीं मानेंगे, हम युद्ध पे नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे। क्यों? ये हमारे दिल में हमने सोच लिया। तो खुदा ने दिल की उनके जजमेंट को पढ़ लिया और कह दिया कि ठीक है, तुम्हें भी कनान देश का कब्जा हम नहीं देंगे। भटकते रहो इस बेबीलोन में, भटकते रहो इस दुनिया संसार में, भटकते रहो जंगल में 40 साल और आखिरकार यहीं मर जाओ, का वो पोजीशन तुम्हें नहीं मिलेगा। तो इसको कोई हल्की बात ना समझना भाई साहब, जबरदस्त है बहुत। तो टेस्टिंग तो सब किसी की होना है, और जिस जिस की टेस्टिंग हुई और फेल हुआ, तो फेल होने के बाद समझो बेकार ही है। रोम को मौका मिला, ग्रीस को मिला, फ्रांस को मिला, रशिया को मिला, इसराइल को मिला, किस किस देश को मिला, शहरों को मिला, लोगों को मिला, और फेल हुए, फेल होते चले आए हैं। वो फेलियर्स हमारे लिए आज एक एग्जाम्पल और नसीहत है। आज हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा सबके साथ, ये मैं नहीं कह रहा, इसको ध्यान कर लेना। आज हमारे पास चांस है, क्योंकि हमारी लाइफ में इस रूप में पहली बार आज आ रहा है। तो आज हमको ऑफर मिल रहा है कि अब आप क्या चाहते हो उसके ऊपर अब निर्भर किया जाएगा। इस मिक्स मल्टीट्यूड ने क्या किया कि सारा का सारा काम गड़बड़ कर दिया, और जो एक्चुअली कब्जा मिल सकता था उसको फेल करवा दिया। मेथोडिस्ट फेल हुए, पेंटिकॉस्टल फेल हुए, हर एक चर्च फेल हुआ, और सब फेल होते चले आ रहे हैं। और एक ऐसा नक्शा बन गया है कि ऐसी फेलियर होती है और फाइनल मंजिल नहीं मिल पाती। ब्रदर, यू विल आइदर एक्सेप्ट गॉड्स प्रोवाइडेड सेक्रीफाइस फॉर सिन, और यू विल स्टैंड अलोन इन जजमेंट। जजमेंट तो हो गई, अब आपको उस वाला भी मालूम है, व्हाइट थ्रोन जजमेंट मालूम है? नहीं, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। जब वो जजमेंट होगा तो उससे कोई बच पाएगा? कोई नहीं बचेगा उससे, आपका दुल्हन दुल्हन भी नहीं बचेगी। इस रूप में
चूंकि दुल्हन ने मेमने के सेक्रीफाइस को अपने जीते जी स्वीकार करके एप्लीकेबल करवा लिया, जजमेंट उसका यही हो गया, इसलिए दूसरी मृत्यु का असर उस पर नहीं है और वो दूल्हे के साथ सिंहासन पर बैठी हुई है। लेकिन उसने अपना वर्डिक्ट तो दिया था जीते जी या नहीं दिया था? उसका कादेश बनिया हुआ था कि नहीं हुआ था? और चूंकि उसने सिन सेक्रीफाइस को कबूल किया है, यीशु मसीह को, उसकी कुर्बानी को कबूल किया है, तो यीशु मसीह का लहू कहता है ये व्यक्ति बेऐब है, ये बेगुनाह है, इसको सिंहासन पर अपने आप ही बैठा दिया गया। और अगर आपने उस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपको जजमेंट में खड़े होना पड़ेगा कि नहीं? और उस समय तो भी जजमेंट का मतलब दोषी ही है, विदाउट ब्लड सेक्रीफाइस तो दोषी है, और दोषी के लिए फिर आग की झील है। तो कोई नहीं बच सकता जजमेंट से, मतलब इस केस से। इसमें या तो आप अकेले खड़े होगे, चाहे वो देश हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो व्यक्ति हो, आपको हमको तो खड़े होना ही पड़ेगा, उससे हम छूट के जा बाईपास नहीं कर सकते। खुदावन ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। जिन्होंने कहा हमारे बस का है, क्या उन्हें बैठे ठाले सब मिल गया? यहोशू कालेब ने कहा था हमारे बस का है, हम कॉन्करर से भी बढ़कर हैं, खुदा ने वादा किया है, छाया उन पे से हट गई है, यहोवा हमारे संग है, उसका वादा है, कनान देश हमारा है। खुदा ने कहा शाबाश, दो जन सेलेक्ट हुए हैं इस कादेश बर्निया के टेस्ट में, बाकी सब फेल। अब ये जो दो सेलेक्ट हुए हैं, जब ये पहुंचे कनान देश, तो कनान देश की ज़मीन इनको मिल गई, बने बने मकान थे और वहाँ पे नौकर खड़े हुए थे, गेट कीपर खड़े थे, कहले सर वेलकम, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपने कादेश बर्निया पे कहा था ना हमारे बस का है, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, आइए, कोठी, ये रथ, ये गाड़ी, ये बारी, ये सब आपका इंतज़ार कर रही है, प्लीज़ आइए ना, ले लीजिए। एक वहाँ खड़े हो फार्म हाउस पे, अरे वो नहीं आ रहे, रूबेन कहाँ है भैया, वो ब्रदर रूबेन, ओह आइए रूबेन सर, आपके लिए कादेश बर्निया पे आपने कहा था ना हमारे बस का है, आइए आइए आइए, आपके लिए ये वाला फार्म हाउस है, आपके लिए ये वाला शहर, आपके लिए ऐसे मिल रहे थे उनको, एक एक इंच पे कब्जा करने के लिए जिन्होंने कहा था हमारे बस का है, और खुदा ने टिक लगा दिया, यस एक्सेप्टेड। उनको कब्जा करने के लिए एक एक इंच के लिए लड़ना था, ये बात पक्की थी, उनका बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन लड़के कब्जा करेंगे, और उनको मिला है ना। जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करा, उस रूप में आ जाइए, कादेश बर्निया पे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और जिन्होंने उसको मान लिया कि ठीक है हमारे बस का है और हम जो चलेंगे, तो उनको सालवेशन, हीलिंग, पोजेशन, चरित्र, बिहेवियर मिल गया, आराम से मिल गया। अरे उद्धार पाने के लिए फाइट करना पड़ा, जब पाप बात पे कि मैं यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ दोबारा, क्योंकि पहला मेरा पुराना छींटे का गलत था और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के टाइटल वाला जो मेरा पेंटिकॉस्टल बैप्टिज्म था वो गलत था, इस एक अभी तो सालवेशन मिली भी नहीं है, सालवेशन लेने जा रहे हैं ना, कब्जा करने जा रहे हैं सालवेशन पे, अभी तो बपतिस्मे पे लड़ाई हो रही है, फिर कहा था भाई शाम को चल रहे हैं वहाँ पर शादी में, वो उनकी शादी है, हमारे ऑफिस में फ्रेंड है उनके, कि हम नहीं आ पाएंगे, आप लोग हो आओ, क्या क्यों, एक्चुअली यहाँ फर्स्ट संडे है होली कम्युनियन, तो क्या होता जो ले रहा लेना, नहीं मेरा बैप्टिज्म हुआ है मुझे होली कम्युनियन लेना है, नहीं नहीं वो शादी, यार हमारे अजीज हैं यार, हम लोग 40 साल एक साथ नौकरी करी है, सीनियर जूनियर हम रहे हैं, हमारा पुराना संबंध है, ये कम्युनियन में होती रहेगी यार, और होती रहती, कहीं भी ले लेना, सुबह ले, अगले संडे ले लेना। नहीं जी हम तो शाम को लेंगे सूरज डूबने के बाद, दाख रस और रोटी वाला अखमीरी। इस होली कम्युनियन ने घर में एक लफड़ा कर दिया, आपको सालवेशन मिलेगी बहुत बाद में, अब पिछले संडे आपने देखा था सालवेशन का हमारा सर्टिफिकेट क्या है कि हमें मिल गई है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा,
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सर्टिफिकेट है कि आपको सालवेशन मिल गई, और जिसको सालवेशन मिल गई उसकी पहचाने क्या है? बोलिए जरा, इसी पे अपनी बैलगाड़ी हुई पड़ी थी, चल नहीं पा रही। आप सोचिए क्या ये आराम से मिल जाएगा? ये पोजेशन है भाई साहब। कनान देश इतना आसान नहीं है। कनान देश में तलवारें चलानी पड़ी हैं, बल्लम चलाना पड़े, लाठियां चलाना पड़ी हैं, लड़ाइयाँ करनी पड़ी हैं। वहाँ कम से 70-80 राजाओं से लड़ना पड़ा है, तब कहीं जाके एक एक गांव पे कब्जा कर करके कनान देश का इसराइल बन पाया है। सालवेशन मिलना कोई आसान है? नया जन्म पाना क्या आसान है? उसके लिए पहले अपनी विचारधारा से लड़िए, अपने परिवार से लड़िए, अपने फैशन से लड़िए, अपने अहम से लड़िए, अपने गुनाहों से लड़िए, अपनी हरकतों से लड़िए, अपने चरित्र से लड़िए। इन सब से लड़ने के बाद तब कहीं जाके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, चलो कम से कम कुछ तो हुआ। तो खुदावन ने क्या वायदा नहीं किया कि मैं तुम्हें गुनाहों की माफ़ी दूंगा? उसने वादा किया ना, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हारे मनों में शांति दूंगा, मैं तुम्हें खुशी आनंद दूंगा, मैं तुम्हें बीवी बच्चे दूंगा, परिवारों में सुख शांति दूंगा, मैं ये दूंगा वो दूंगा, सब वादा किया ना उसने। तो ये फ्री में वैसे मिल जाएगा? कुछ लड़ाई लड़ना पड़ेगी, लड़ाई लड़ना पड़ेगी। बिना लड़े कुछ भी नहीं होगा। और ये लड़ाई कहीं बाहर वाली नहीं है। आप चोरी बाद में करेंगे, चोरी ना करने की लड़ाई यहाँ पर होगी या वहाँ होगी? भाई आपने कि हम चोरी नहीं करेंगे, नोट तो वहाँ रखे हुए, सोना चांदी वहाँ रखा हुआ है, लेकिन लड़ाई वो सोना उठाऊँ या ना उठाऊँ वो बड़ा है, या यहाँ से उठाऊँ या ना उठाऊँ ये बड़ा है। झूठ नहीं बोलूँगा, चलो झूठ का मौका आएगा बाद में, बाहर जबान हिलेगी 2.5 ग्राम की बाद में। झूठ बोलने के लिए जबान बाद में हिलेगी, होंठ बाद में खुलेंगे, लेकिन झूठ बोलने के लिए जो यहाँ से ओके होगा वो पहले होगा या बाद में? तो ये सारी लड़ाई जो कनान देश की है ना, ये बाहर नहीं है, ये यहाँ पर है, यहाँ लड़ना पड़ेगा। आप सोचिए, जब आपने दिल में फैसला कर लिया कि आज के बाद से मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊँगा, तो गुलाब जामुन के बड़े बड़े तसले भी क्या बिगाड़ लेंगे आपका? शादी प्रोग्राम क्या कर लेगी आपका? हलवाई की हीरा लाल की दुकान क्या कर लेगी? बड़े बड़े थाल शीरे में डूबे हुए, नीचे से बढ़िया गर्म होते बुलबुलाते छोड़ते हुए क्या कर लेंगे आपका? अरे आपने तो दिल में ही फैसला कर लिया हम नहीं खाएंगे, तो सब बेकार है। ऐसा होता कि नहीं होता? जब आपने झूठ बोलने का, चोरी ना करने का, प्यार करने का, सेवा करने का, घमंड ना करने का, ये पहले यहाँ फैसला कर लिया, ये युद्ध यहाँ पर है, दिल में आपकी सोल में है। जब यहाँ आपने फैसला कर लिया, ये है आपका कादेश भरनिया, ये होंठ आपके कादेश भरनिया नहीं है, ये दांत आपके कादेश भरनिया नहीं है, ये जबान आपकी कादेश भरनिया नहीं है, ये हाथ पैर आपके कादेश भरनिया नहीं है, कादेश बर्निया तो ये रहा, है ना? वहाँ बहुत से लोग थे ऐसे, हजारों लाखों ऐसे थे जिन्होंने एक शब्द नहीं चिल्ला के कहा था कि हम नहीं लड़ेंगे, उन्होंने केवल दिल में कहा था हम नहीं लड़ेंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसा हो सकता है कि कितने लोग, अच्छा अब आ जाइए घूम के फिर वहीं बात पे, जिन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे मन में, बाहर से नहीं, जिन्होंने मन में कहा हम नहीं, हम नहीं कब्जा करेंगे, हमारे बस का नहीं, उन्होंने दिल में कहा था, ठीक है ना? और आज जिन्होंने कहा अपने दिल में हम फैशन नहीं छोड़ेंगे, हम घमंड नहीं छोड़ेंगे, हम लालच नहीं छोड़ेंगे, हम ये नहीं छोड़ेंगे, हम वो नहीं छोड़ेंगे, आज जो कादेश बरनिया पे कह रहे हैं, इनको वहाँ कौन सा टाइटल मिला था? कादेश बनिया पे जिन्होंने मना किया था दिल में, इनको किस नाम से जाना गया? मिक्स मल्टीट्यूड।
आप समझ रहे हैं वहां की मिक्स मल्टीट्यूड कौन सी थी और यहां की मिक्स मल्टीट्यूड कौन सी है। आज की मिक्स मल्टीट्यूड वो है जो मुंह से नहीं, हाथ पैर से नहीं, वो भी होता है, हाथ पैर से भी होता है, मुंह से भी होता है, लेकिन खास बात है जो अपने दिल से खुदा के वर्डिक्ट को रिजेक्ट करती है, जो अपने दिल से खुदा के संदेश को रिजेक्ट करती है, खुदा के इंस्ट्रक्शन को रिजेक्ट करती है, खुदा के प्रॉमिस को रिजेक्ट करती है, ये कह के कि अगर हमें लड़के लेना पड़ा तो हम नहीं, बिना लड़े दे दो तो मंजूर है, बिना लड़े दे दो तो मंजूर है, लेकिन अगर हमें कुछ कोशिश करके जीतना पड़ेगा तो ये हमारे बस का नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, आज की मिक्स मल्टीट्यूड और आज की ट्रू ब्राइड दोनों को आज से मौका मिलेगा, दोनों को आज से मौका मिलेगा। यहोशू तेरे ग्रुप को भी मिलेगा और कोरा दातान तुम्हारे ग्रुप को भी आज से मौका मिलेगा कि देखें आज के कादेश बर्निया पे आप कौन सी पार्टी में जाते हैं। इसका वर्डिक्ट आपकी जबान से हो चाहे ना हो, आपके दिल में होगा। और आपके दिल में होगा तो याद रखना कर्मों में वो प्रकट हो ही जाएगा, और जब कर्मों में प्रकट हो जाएगा तो ये भी ध्यान रखना अगर खुदा ने मना कर दिया, खुदा क्या चिल्ला चिल्ला के बोलेगा हर किसी से कि मैंने तुम्हारे लिए मना कर, तुम्हारे लिए मना, सुनो सुनो तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें नहीं, ऐसा कहा खुदा ने? खुदा ने लोगों के नाम ले लेके पुकारा था कि तुम्हें नहीं प्रवेश करने दूंगा? तुमने मन में सोच लिया और मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ लिया। मान लीजिए, मान क्या लीजिए, तो हकीकत में ही होगा, अब रैप्चर होना कि नहीं? खुदा ने वादा किया कि रैप्चर में ले जाएगा दुल्हन को, तो दुल्हन में जो रैप्चर होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है लेकिन होएगा, तो रैप्चर में मिक्स मल्टीट्यूड का होगा या यहोशू एंड कंपनी का होगा, है ना? कहना बहुत आसान है यहोशू एंड पार्टी का होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना मिक्स मल्टीट्यूड का नहीं होगा। तो आज अगर, अब आप हर मैसेज को ध्यान से सुनिएगा, देखिए संडे तो एक वो दिन है जिसमें आपको एक लॉलीपॉप मिलती है, लेकिन जब आप अपने घर में अपनी बाइबल उठा के पढ़ रहे होते हैं उस समय भी तो खुदा आपसे कुछ बोल रहा होता है। जब आप नबी का कैसेट सुन रहे होते हैं तब भी तो कुछ खुदा बोल रहा होता है, और ये ना भी हो तो भी सड़क चलते सीन दिखा के भी तो खुदा बोल रहा होता है। जब घटनाएं घट रही होती हैं, चाहे आकाश में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे आपकी नौकरी पे हो, वहाँ भी तो खुदा आपसे बातचीत करता है। और अगर आप रिफ्यूज़ करें, मुंह से कोई नहीं कहेगा खुदा मैं नहीं करता, मुंह से कोई नहीं कहेगा, जो कोई कहेगा सो अपने दिल में कहेगा। तो मैं ये सोच रहा था कितनी डेंजरस बात है कि अगर व्यक्ति खुदा के प्रोमिसेस को एक्सेप्ट करने में ढीला पड़े, डरपोक हो, कमज़ोर हो, तो उसका तो रैप्चर ही जा रहा है। देखिए कितनी बड़ी, हम तो हिले थे पिछले संडे भी कि हम तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नहीं पकड़ पा रहे हैं, एडॉप्शन तो बहुत बाद की बात है, था कि नहीं? या बड़े खुश थे सब, हम मज़ा आ गया, अब अनक्वालिफाइड कर चुके हैं और हम तो अडॉप्ट भी हो चुके हैं भाई, अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। जब सैमुएल की पुस्तक पढ़ेंगे वहाँ बार बार एक डायलॉग आया है, और वो वीर था, उसने 150 लोगों को मारा, उसने शेर को मारा, उसने ये करा, उसने वो करा, लेकिन वो पहले तीन के पद तक नहीं पहुँच सका। पहले थे ना तीन, यशो भीम, एलियाजर, है ना? वो जो पहले तीन शूरवीर थे दाऊद के, तीन शूरवीर थे, उसके अलावा 30 और शूरवीर थे। लिखा है कि वो इतना वीर था, उसने ये मारा, ये मारा, ये लड़ा, ये करा, ये करा, ये करा, लगे तो टॉप का गोल्ड मेडल मारा होगा इसने, अगली आयत में लिखा हुआ, लेकिन वो पहले तीन के पद तक नहीं पहुंच पाका, क्वालिफाई नहीं कर पा, इतने के बावजूद भी कि हाँ, और वो क्या, वो भी। तो भैया
अभी तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे तक क्वालिफाई नहीं कर पाए, और पहले के तीन पद तक वो एडॉप्शन तक, याद रखिए कि खुदावन ने हमसे वादे किए हैं और खुदा ने हमको पोजेशन दिया है. एवरी प्लेस द सोल ऑफ योर फुट सेट्स दैट आई हैव गिवन टू यू फॉर ए पोजेशन. यहोशू से कह रहा था कि जहां जहां तेरे कदम पड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां तेरे कदम पड़ेंगे वो चीज मैं दूंगा नहीं, वो मैं तुझे दे चुका हूं. अपने कदम मार के देखा, अपना पैर पटक के देखा, मैं यहां आ चुका हूं. पैर मार के देखा, मैं यहां तक पहुंच गया हूं. जहां तक तूने कदम धर दिया वो चीज तेरी हो गई, होगी नहीं, हो गई. तो अपने पैर रख, अपने फुटप्रिंट्स दिखा. पैर रख का मतलब है, फुटप्रिंट्स का मतलब है, ये चीज मेरे कब्जे में आ गई है, पश्चाताप पे मैंने कदम धर दिया है, प्रायश्चित मैंने कर लिया है, और ये मन प्रायश्चित से भरा हुआ है, हमेशा पश्चाताप से भरा रहेगा. कभी भी मुझसे कोई गलती हुई या हो रही है, होगी, मैं बिना तौबा करे उसको ठीक कराए सांस नहीं लूंगा. इस पश्चाताप पे तो मैंने कदम धर दिया है, विश्वास पे मैंने कदम धर दिया है. मर जाऊंगा लेकिन खुदा तेरे कलाम का डिनायल नहीं होगा. इस पे भी कदम धर दिया है, नम्रता पे कदम धर दिया है, धीरज पे कदम धर दिया है. समझ रहे हैं? जहां जहां तू कदम रखेगा, रख तो सही. पैशन टू नो अबाउट गॉड, रख तो सही इस पे कदम. पैशन फर्वेंट डिजायर टू प्लीज गॉड, रखना कदम इस पे. फर्वेंट डिजायर टू प्लीज गॉड जरा हार्ड पड़ रही है. हार्ड पड़ रही है, कदम तो रखना पड़ेगा. वो कर एवरी सोल, एवरी फुट, जो भी कदम तूने धर दिया, कहाँ, जो मैंने वादा किया है उन पे. मेरा वादा था इसराइलियों कनान देश पे, जहाँ कदम धरा वो हो गई तुम्हारी. हमारा प्रॉमिस लैंड, सालवेशन, डिवाइन हीलिंग, अनंत जीवन, लव, पीस, जॉय, लॉन्ग सफरिंग, पेशेंस, गॉडलीनेस, फर्वेंट डिजायर टू प्लीज गॉड, वगैरह वगैरह. रखो ना इन पे कदम, मेक योर फुटप्रिंट्स हियर. देखे, जब कोई व्यक्ति कीचड़ में चल के घर में घुसाए तो वो भी अपने फुटप्रिंट्स छोड़ देता फर्श पे. क्या यार, ये निशान लगा दिया यार, अभी पोंछा लगाया था, मैं 10 मिनट रुकते तो सही पंखा चला रखा था, आ गए नंगे पैर चलते, फिर वो निशान पोंछा लगने के बाद होता कि नहीं. रेत पे चलो, देखो कैसे फुटप्रिंट्स बनते. अर्थात जहां आप काम कर गए, अर्थात चल गए, कदम रख गए, वहां निशान पड़ जाता है. जब आपने, मान लीजिए एक कैंसर पेशेंट था, एक कैंसर पेशेंट के लिए आपने बड़े विश्वास से प्रार्थना करी और वो पेशेंट ठीक हो गया, तो आपका फुटप्रिंट वहां बन गया कि नहीं बन गया? हैं भाई, मैंने दुआ करी, पेशेंट मेरा ठीक हो गया, तो मेरा देखो निशान, पूछो ना उनसे. तो जब आप कोई कर्म करते हो, खुदा के प्रॉमिस को मैनिफेस्ट करते हो, दैट इज योर फुटप्रिंट. जब आपने किसी को मैसेज समझाया, सिखाया, और उस सोल को आप खुदा के चरणों में लेकर के आ गए, अनंत जीवन दिलवा दिया, आपका फुटप्रिंट भाई साहब उसकी जिंदगी पे पड़ गया, निशान पड़ गया कि नहीं पड़ गया? अब आप नहीं बड़े आराम से कहते हैं, भैया क्या बताएं, हम तो ऐसे ही थे वैसे ही थे, एक दिन वो फलाने भाई आए थे, मतलब ऐसा हुआ कि वो भाई से हमारी मुलाकात हुई, तो शादी में थी, उन्होंने एक बात ऐसी कह दी जो हमारे दिल पे लग गई. हमने, भैया आज तो शादी में आए, कभी मौका मिले तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे. फिर बाद में मुलाकात करी, और जो उन्होंने वचन को खोला, हमारी तो जमीन सरक गई, हमें तो लगा हम तो नॉन क्रिश्चियन हैं. और अल्टीमेटली उन्होंने ऐसा काम करा कि हमें समझाया, फिर हमारी क्लासें ली, हमें करकरा के ये कर दिया कि भैया आज जो हम बिलीवर हैं तो उनकी बदौलत. ये क्यों कह रहे हो?
क्योंकि वो आपकी जिंदगी में छा गए हैं। उन्होंने आपको मैसेज दे के आपके दिल पे एक ऐसा छाप लगा दी है, आप हटा नहीं सकते उसे। दैट इज योर फुटप्रिंट ऑन हिज लाइफ। आपने दुष्ट आत्माएं निकाली, वो फुटप्रिंट है वहां पर। आपने किसी को नजात दिलवाई, फुटप्रिंट है वहां पर। आपने चंगाई दिलाई, वो फुटप्रिंट है वहां पर। किसी परेशान को आपने शांति दिलवा दी खुदा के रहम से, दैट इज ए फुटप्रिंट। आप समझ रहे फुटप्रिंट क्या? जहां जा तू कदम धरेगा तेरा हो जाएगा। क्या बाइबल बता रही है? स्टैंड हियर एंड वॉच द ग्लोरी ऑफ गॉड एवरी प्लेस दैट द सोल्स ऑफ योर फुट सेट्स दैट इज योर्स आई विल गिव इट टू यू। जहां जहां तुमने पैर धर दिया वो चीज तुम्हारी हो गई। स्टैंड एंड वॉच द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप कदम धरिए तो सही, बनाइए तो फुटप्रिंट, आपको वही ग्लोरी ऑफ गॉड दिखाई देगी। आपने किसी को मैसेज समझाया, दिया, प्रचार किया या घर जाकर के समझाया, चाहे आप भाई हो चाहे बहन हो, आपने किसी को बताया समझाया, उसकी समझ में आ गया, उसकी जिंदगी में तो आपने अपना फुटप्रिंट छोड़ दिया। लेकिन याद रखना, जहां पर आपके कदम पड़े हैं उस व्यक्ति की जिंदगी में, उसके इंटरेक्शन होने में, वहां पर आपको ग्लोरी ऑफ गॉड भी दिखाई देगी। आप कहोगे भैया इनका घर तहस नहस था। बिल्कुल तहस नहस था। हम गए वहां पर, बातचीत करी, ये करा वो करा, ऐसा किया वैसा किया, अल्टीमेटली देख लो आज वही परिवार ऐसा है। व्हाट इज दिस? दैट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। कोई बीमार मड़ा टूटा पड़ा था, मौत के लिए सांसें भर रहा था, आपने गए वहां विजिट किया, कुछ प्रार्थना करी, कुछ बताया, कुछ समझाया, अल्टीमेटली वो हट्टा कट्टा उठ के खड़ा हो गया। फुटप्रिंट तो हुआ ही हुआ वहां पर आपका, फुटप्रिंट तो हुआ ही हुआ, लेकिन जब वो व्यक्ति उठ के खड़ा हुआ तो वहां ग्लोरी ऑफ गॉड भी दिखाई दी। तो ग्लोरी ऑफ गॉड, अपने कदम रखो, निशान बनाओ वहां, एंड सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो कनान देश में केवल ऐसी नहीं जाना है। कनान देश के कब्जे में क्या है? जाओ, पैर रखो। पैर रखने में तकलीफ होगी थोड़ी, पैर एकदम से नहीं रखा जाएगा कोई एकदम, हाँ पैर रखने में तकलीफ होगी, उसमें थोड़ी लड़ाई है, पैर रखने में लड़ाई है, थोड़े खींचा तानी है। आप वहाँ पर पैर रखिए, पैर रख के अपना फुटप्रिंट वहाँ पर छोड़िए, अपना असर छोड़िए वहाँ पर। इन्फ्लुएंस का मैसेज सभी ने पढ़ा है ना? है इन्फ्लुएंस की नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस भरा हुआ हो, आपकी जिंदगी में इतना अंदर माल भरा हुआ हो कि आप किसी से मुलाकात करें और उसकी जिंदगी पे आपका असर ना हो? क्या हो सकता है ऐसा? लोग अक्सर कहते हैं, अरे भैया एक प्रोग्राम था और वो अमिताभ बच्चन आए थे, अमिताभ बच्चन आए थे तो हमने कहा चलो हम भी देख लेते हैं, अपने वहाँ था प्रोग्राम, चले गए थे। कहले एक बात तो है, हमें तो पास मिल गया था तो हम तो खैर आगे बैठ गए थे दूसरी तीसरी लाइन में, लेकिन भैया एक बात बताएं आपको, बंदा तो खैर एक्टर है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, एक्टर है, लेकिन भाई साहब जिस स्टाइल से वो हमारे सामने से निकल के स्टेज पे गया और माइक लेकर के उन्होंने केवल 2-4 मिनट ही कुछ कुछ कहा था, यार बंदे में अट्रैक्शन जबरदस्त है, कुछ एक ऑरा है जो उसके साथ चलता है, कोई तो चीज़ ऐसी है कि भाई साहब वो माहौल ही बदल जाता है जहाँ से वो जाता है। ये सही बात है, है उसके अंदर कुछ, अंदर उसके अंदर कुछ ऐसा है कि जहां वो जाता उस माहौल को वो अपने साथ लेके चलता है और लोग फील करते हैं। यदि आपके अंदर आपका खुदावंद यीशु मसीह पाया जाता है तो क्या आपके पास ऑरा नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप भरे हुए हों आत्मा से, वचन से, उसके गुणों से, और आप किसी से संपर्क करें, मुलाकात करें, बातचीत करें और असर ना हो या रिएक्शन ना हो? ऐसा हो नहीं सकता। वो काम भी करके देखना ही पड़ेगा कि देखो भाई ग्लोरी ऑफ गॉड आ रही है कि नहीं आ रही है। एवरी प्लेस दैट योर सोल्स ऑफ फुट सेट्स दैट इज यू। अब एवरी प्लेस द सोल ऑफ योर फुट सेट्स आई हैव गिवन टू यू फॉर ए पोजेशन। जहां जहां तुम कदम रखोगे
उस जगह को मैंने पोजेशन के लिए पहले ही दे रखा है। कोई जाके कहने लगे, प्रभु मैं यरूशलेम में तो आ गया, मैं यरूशलेम में आ गया और मैं यहाँ खड़ा हूँ चौराहे पर, प्रभु ये चौराहा क्या आपके उस प्रोग्राम में है देने के लिए? कह रहा खुदा कहेगा, ये सारा देश तू तो चौराहे पे खड़ा हुआ है, अबे यहाँ से शहर के शहर नाप, ये सारा देश मैंने दे दिया है केवल उसको जो कदम रखेगा। तू कह मुझे यहीं से दे दो प्रभु, मैं नेक्स्ट वीक फ्लाइट से निकल जाऊंगा। हाँ मुझे बता दो मैं कौन से, यरीहो, यरीहो आप दे रहे हो मुझे या जाफा? मैं सोचता हूँ जाफा नहीं, वो गलील सागर के साइड वाला गन्नेसरा ठीक रहेगा, है ना, मैं उस लाइन का हूँ ना, एग्रीकल्चर वाला और शिकारीकार का भी शौक है। प्रभु आप मेरे को बता दो कौन सी जगह है, तो फिर मैं अपना प्रोग्राम बना लूँ ना, कौन सी फ्लाइट, फिर वहाँ से टैक्सी खर टैक्सी ले लूँगा मैं, अब जितने की भी होगी। तो आपने मुझे कौन सी वाला प्लॉट दिया है? कह रहा जहाँ तेरा पैर पड़ेगा वो वाला दिया है, यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं मिला कि मैं वहाँ चला जाऊँगा टिकट कटा के ले लूँगा। एडवांस में किसी का नाम रजिस्ट्री नहीं है, एडवांस में किसी के नाम लिखित नहीं है कि तुम्हें कौन सी पर्टिकुलर चीज़ दी है, ये सारा देश दे दिया है। मदन मोहन मालवीय पंडित जी पैदल चल जाओ, जहाँ तक घूम कर आ गए वहीं BHU हो जाएगा, क्यों भाई? पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस के, भाई कहाँ बने बनारस विश्वविद्यालय? क्या एक काम करो पंडित जी, जहाँ जहाँ तुम चल के घूम के आ जाओ, दिन भर का मौका मिला हुआ है, जितनी ज़मीन का चक्कर आपने लगा दिया उतना इलाका हो गया। तो यहोवा ने कहा ये देश सारा तुम्हें दे दिया है, जहाँ जहाँ तक तुम अपने कदम रख लोगे वो सब तुम्हारा हो गया, वो सब पोजीशन मैंने दे दिया है, कदम रखो ना। ये कदम रखना ही तो थोड़ा हार्ड काम है, अगर आपने कदम रख दिया तो खुदा का जलवा अपने आप ही दिखाई दे जाएगा। देखिए हमारे चर्च में जो लोग इस काम को करते हैं या जिन्होंने किया है वो इस बात को जानते हैं कि जिस जगह जाकर आपने अपना कदम रख के खुदा का काम किया है उस जगह पे आपकी छाप पड़ गई, वो जगह खुदा ने आपको दी, वो कैरेक्टर आपको दिया। जगह का मतलब ये ऐसा मत सोचना, मान लीजिए आप यहाँ से मेरठ गए और मेरठ में जाकर के आपने ढोलक बजाई, बाजा बजाया, गाना गाया, सॉन्ग लीडिंग करी, प्रचार किया, प्रार्थना करी, सब कुछ करी, और भाई हम तो अकेले गए थे, अकेले ही चले आए, कार में गए थे, कार में आ गए, फिर अपने दिल्ली में अपनी नौकरी कर रहे हैं। आपने वहाँ पे जाके जो परफॉर्मेंस दिया है जिस भी कैपेसिटी में होकर, क्या कुछ आत्मा से भर के किया है, क्या कुछ ऑरा लेकर गए थे अपने साथ या खाली पीली के वैसी आए? अगर आप कुछ करके आए हैं खुदा के आत्मा से भर कर उसके प्रोमिसेस, याद करते कि मैं जा रहा हूँ केवल गाने ही नहीं, मैं खुदा के उस वाले परफॉर्म उस वाले प्रोमिस के मुताबिक गाने जा रहा हूँ, मैं उस वाले खुदा के वादे के मुताबिक बजाने जा रहा हूँ, मैं उस वादे के मुताबिक प्रभु का वचन लेकर प्रचार करने जा रहा हूँ, तो आप वहाँ पर एक ज़रूर फुटप्रिंट छोड़ के आओगे, आप आ जाओगे, लेकिन छाप छोड़ के आओगे। पीछे लोग कहेंगे अरे भाई एक वो आए थे यार, एक वो बंदा था, एक वो बंदी थी, एक वो ऐसी लड़की थी, एक ऐसी बहन जी थी, एक वो ऐसा भाई था, ये क्या हो रहा? आप किसी की ज़िंदगी में छाप छोड़ के आ गए और अच्छा कर्री छाप छोड़ दी, तो वहाँ पर देखना खुदा का एक मिरेकल भी आपको दिखाई दे जाएगा। फिर आप कहोगे कि मैं तो खाली गया था, खाली आ गया, पोजीशन मेरा क्या रहा? आपने जिस दिलेरी का परिचय दिया है वहां पर, वो दिलेरी आपका पोजीशन बन गई। जिस प्यार से आपने खुदा को वहां पेश किया वो प्यार आपकी पोजीशन बन गया। जिस नम्रता से आपने माहौल को वहां फेस किया और नम्रता से कदम रख के प्रदर्शन किया है, नम्रता आपके जिंदगी में पोजीशन बन गई। इन पोजीशंस को आप समझिए, जब मौके आते हैं तो आपको किसी न किसी चरित्र को डिस्प्ले करना पड़ता है, और आपने अगर खुदा के खौफ में होकर उस कैरेक्टर को डिस्प्ले कर दिया, तो डिस्प्ले नहीं कर दिया,
वो करैक्टर आपकी जिंदगी का अभिन्न अंग बन गया। मान लीजिए आपको गालियां दी गई और आप तो मारते तो थोबड़े तोड़ देते, आप में दम था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपने उस बेइज्जती को बर्दाश्त किया। किस लिए? कि खुदा का काम हो जाने दो, इस ये बकवास कर रहा पागल, इसको बोलने दो, लेकिन मैं जिस काम के लिए आया हूँ खुदा के, उसको मैंने करना है। आपने उसकी गालियों को सुना, आपने बदतमीजियों को सुना, तो आपको क्या मिला? आपको बर्दाश्त करने का वो मादा मिला, आपको वो धीरज मिला, आपको वो भारीपन मिला, आपके चरित्र में गंभीरता वो आई जो यीशु मसीह में पाई जाती थी। आपने उसकी गालियां नहीं सुनी हैं, आपने वहां पे कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से कनान देश में इस प्रकार के कब्जे करना है तो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ना पड़ेंगे। जिस जगह बैठे हुए ना, अभी यहीं सारी उम्र मत बैठे रहना। वी कांट स्टे राइट हियर इन द सेम कैंप, द फायर्स आर मूविंग ऑन, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, फ्रॉम बाइबल एक्सपीरियंस टू बाइबल एक्सपीरियंस। अनफोल्ड योर हार्ट्स, रेज अप योर हैंड्स, कीप सेन। जहां पर बैठे हो भैया, हम तो मजे ले रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, मजे आ रहे हैं, आ रहे हैं, क्या यहीं बैठे रहोगे? यहां से आगे नहीं बढ़ना है? आगे तरक्की नहीं करना है क्या? आगे कब्जे नहीं करना है? खुदा का संदेश कह रहा, मेक फुटप्रिंट्स ऑफ योर ओन। अरे कदम निकालो यार, कुछ छाप छोड़ो तो सही। गाने के द्वारा छोड़ो, बजाने के द्वारा छोड़ो, प्रचार करने के द्वारा छोड़ो, गवाही देकर छोड़ो, दुआ करके छाप छोड़ो, विजिट करके छाप छोड़ो, मैसेज बांट के छाप छोड़ो, लोगों को बुला के छाप छोड़ो, लोगों के घर जाके छाप छोड़ो, कहीं तो कुछ करो यार, अपनी छाप तो छोड़ो। क्या बैठे रहोगे ऐसे ही? तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, ये दो रोटी बस, मुझे ज़्यादा की दरकार नहीं, ज़्यादा मैं लालची हूँ नहीं, ज़िंदगी आराम से कट जाए, कब्रिस्तान तक पहुँच जाए, इतना ही मुझे चाहिए, ये करोगे? कनान देश, प्रॉमिस, लंबा चौड़ा, ढेर सारे वादे खुदा ने दिए हैं और उनको लेना है। वॉक, गो इन टू ग्लोरी टू ग्लोरी। मालूम पड़ गया भैया, एक बात है, तीन बार हमने दुआ करी थी, तीन गवाहियाँ तो हमारे पास है, तीन से कभी चौथी गवाही नहीं करना चाहोगे? तीन आपने प्रार्थनाएं करी, तीन लोगों को चंगाई मिली, बहुत अच्छी बात है, क्या कब्रिस्तान तक तीन ही गवाही लेके जाओगे या चौथी पांचवी छठी भी करोगे कभी? आगे बढ़ो। बाइबल एक्सपीरियंस, आज तक आपके पास जो बाइबल एक्सपीरियंस आए बिल्कुल सही आए, अच्छे आए हैं, क्या बस वहीं तक रहोगे या आगे भी एक्सपीरियंस लेना है? बार बार नबी से क्या कहता फरिश्ता, बी मोर सिंसियर, बी मोर सिंसियर, बी मोर सिंसियर। जितने सिंसियर होते चले जाओगे उतने ज़्यादा खुदा के काम, गवाहियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में बढ़ती जाएंगी। क्या खुदा हमसे डिमांड करता हम तरक्की करें, चाहता वहीं बैठे रहो? हैं, वहाँ तो कह रहा ऐड योर फेथ, वर्च्यू ऑन योर फेथ, विश्वास पे, सामर्थ, सामर्थ पे, नॉलेज, नॉलेज पे, टेम्परेंस, टेम्पर पे, बढ़ाते जाओ। अगर ऐसा करते जाओगे तो खुदा के पहचान में निकम्मे नहीं होने पाओगे। खुदा का कलाम हमसे कह रहा है ग्रो ग्रो ग्रो, तरक्की करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पोजेशन लो, कब्जा करो। और हम कहने इतना काफ़ी है, इस कैंप में बैठे मत रहो। जहाँ तक आ गए हो बहुत अच्छा आए हो, लेकिन यहाँ तक बैठे मत रहो, आगे बढ़ो, बिब्लिकल तजुर्बे लो। लोगे तो तभी जब कुछ कदम उठाओगे, बैठ उठा ले कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेंगे। वी आर मूविंग इन द पिलर ऑफ फायर इन द ग्लोरी ऑफ गॉड, सिटिंग टुगेदर इन हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस। हम खुदावन के साथ पिलर ऑफ फायर के अंदर घुसते जा रहे हैं और एक साथ मसीह में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तो खैर कहने को कहा जा रहा है, लेकिन ऑन अ ग्रेट रेवलेशन ऑफ वर्ड द होली स्पिरिट सिंकिंग it into the hearts and bringing forth the trees of salvation, righteous living, love, peace, joy, long suffering, goodness, gentleness, patience, वगैरह वगैरह। हम शांति से बैठे हुए हैं खुदा के घर में, जीवन का वृक्ष लगा हुआ है हमारे बीच में, और इन गुणों को, प्रेम, आनंद, मेल, धीरे हम इनको इंजॉय करते जा रहे हैं और धीरे धीरे लेते जा रहे हैं। समझ रहे हैं? ले रहे हैं या केवल बोल ही रहे हैं?
अगर ये चीज़ें अंदर आ रही हैं तो फुटप्रिंट्स बन रहे होंगे, अगर ये गुण हमारे अंदर आ रहे तो दिखाई दे रहा होगा, अगर ये चरित्र हमारे अंदर डेवलप हो रहा तो हमें महसूस हो रहा होगा। ये केवल गोशेन में ही नहीं होगा, और टू अनदर ट्रवण इट हैपन्स टू इंडिविजुअल्स, हर व्यक्ति के साथ अलग अलग होगा, जो चाहेगा उसके साथ होगा, जो नहीं चाहेगा नहीं होगा। हर चर्च को मौका है, हर देश को मौका है, अगर ढेर सारे लोग मान लो इस दौर में आगे बढ़ पड़े कब्जा करने के लिए, तो एक बहुत बड़ी यूनिट बन जाएगी कि पूरा पूरा चर्च ही इस दिशा में बढ़ा चला जा रहा है। लेकिन अगर सब लोग इसमें पार्टिसिपेट ना करें कि यार हमारे बस कहना छोड़ो यार, नौकरी चाकरी करके घर देश चला लें, बस इतना ही काफ़ी है, तो भाई साहब गॉड विल मूव विद दैट ओनली वन। तो जो चाहता है, जो खुदा के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, केवल उसी की जिंदगी में खुदा आगे बढ़ा देगा। Why those fellows said we can't do that, we can't have a revival over here, everything is against us। क्यों लोग कहते हैं हमारे बस का नहीं, रिवाइवल नहीं हो सकती, सल्वेशन नहीं हो सकती, हीलिंग नहीं हो सकती, लोग बदल नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मतलब बड़ी मुश्किलें हैं, कैसे करें, हम इस आदत को नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए आदत छोड़ना संभव है, हम इस बुराई को नहीं छोड़ सकते, इस नेचर को नहीं छोड़ सकते, इस कैरेक्टर को नहीं छोड़ते, इस संबंध को हम नहीं छोड़ सकते, इस फैशन को हम नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एमोरी एंड हित्ती आज भी आपके सामने बैठे हुए हैं और आप उनसे लड़ नहीं रहे, दे आर ऑल वॉल्ड अप, उन्होंने अब तक कब्जा किया हुआ है अपनी जगह पर और आप उस पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से खुदा ने वादा किया है, तो भाई आगे बढ़ना पड़ेगा ब्लेसिंग्स के लिए, बिकॉज गॉड कीप्स हिज प्रोमिसेज विद हिज जजमेंट, वी हैव गॉट टू टेक जजमेंट और द ब्लेसिंग, वी हैव टू गॉट वॉक फॉरवर्ड और वॉक बैकवर्ड, या तो ब्लेसिंग ले जाओ या जजमेंट ले जाओ, या तो आगे बढ़ जाओ या पीछे हट जाओ, कि हम तो वहीं रहेंगे, पीछे कहाँ हटे, आप वहीं रहो, बढ़ने वाले बढ़ जाएंगे, आप पीछे उठते जाएंगे, गैप अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो खुदावन की कलीसिया है, खुदावन ने बनाया है, सब कुछ करा है, सब कुछ है, लेकिन ध्यान रखें अगर मैं और आप कोशिश नहीं करेंगे आगे बढ़ने की, तो फुटप्रिंट्स नहीं बना पाएंगे, हम वहीं के वहीं लटके मर जाएंगे। एक बार चेले नाव में थे, यीशु मसीह नाव में थे, यीशु मसीह नहीं थे नाव में, चेले थे, और रात का समय फचड़ फचड़ करके कोई आदमी आ रहा था, चेले डर के कर भूत भूत भूत, तो यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूँ, और फिर उसका जो डूबने डाबने का चक्कर था वो भी सब ख़त्म हो गया। वो शद्रक में शक बंदों को पड़े हुए थे बेचारे आग में, तो क्या है आग में जब डाल दिए तो मरना ही है, हर कोई यही सोचेगा, लेकिन आप देखिए दे मेड देयर फुटप्रिंट्स देयर। उन्होंने कहा राजा साहब हम नहीं झुकेंगे, आग में डाल दो, मरना मंजूर है, स्टेप लिया ना, जब स्टेप लिया तो खुदा ने क्या काम किया, आग में से निकाल के जिंदा लाया, और यहाँ तक कि उनका प्रमोशन ही नहीं किया, उसको देखकर और कितने कन्वर्ट हुए होंगे, सारी डिटेल नहीं लिखी है बाइबल में, लेकिन एक घटना को देख के कितने कन्वर्ट होते हैं, एक लाजर को जिंदा किया तो क्या सब वैसे के वैसे थे, वहाँ जो इतनी भीड़ लगी हुई थी, चलो हंसने ठट्टा करने वालों को लगा लो 150 होंगे, लेकिन बाकी जिन्होंने देखा उनके हिल करके दिल में कोई श्रद्धा भक्ति नहीं जमी होगी। जब अंधे को सबके सामने ठीक किया होगा, जब लंगड़े को सबके सामने ठीक किया, जब कोढ़ी को शुद्ध किया, तो केवल वो अकेला ही शुद्ध हुआ, बाकी उन्हें देखा उनका क्या हाल होता है। जब आपको एक बहुत बड़ी घटना देखते हैं, एक मैच होता है, आप खेल तो नहीं रहे ना, मालूम पड़ा स्टेडियम में 80,000 पब्लिक बैठी मैच देख रही, इंडिया पाकिस्तान का, केवल इंडिया ने जीता ही तो है, आपने तो हाथ तक नहीं लगाया, आप तो सीट से उठे भी नहीं है, लेकिन उस मैच को देखने के बाद क्या आपकी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आता है, विचारधारा में, आपके जोश में, आपके काम में कुछ आता है चेंज है? कितना जोश से भर जाते हैं, कितना खुशी से, कितना नॉलेज से, कितना जाने क्या क्या हो जाता है, आपकी जीवन की जो सुस्त गाड़ी चल रही थी वो चुस्त हो जाती है केवल देखने से।
जब मुर्दा अपनी आंखों से जिंदा होते देख लो आप, मान लो किसी दिन ऐसा मौका लगे आपका कि आप कब्रिस्तान जाओ, फ्यूनरल में कब्रिस्तान जाओ और मान लो डेड बॉडी पड़ी और कहा जा रहा है कि अभी आखिरी मौका है, जो अजीज़ देखना चाहे वो मेरे राइट साइड से आते जाएँ, देख करके लेफ्ट साइड से निकलते जाएँ, क्योंकि अब हम कफन बॉक्स को बंद करने जा रहे हैं, तो दिस इज़ द लास्ट चांस। तो मान पड़ा सब ने देख लिया और देखने का निकल भी गया, अब उसके बाद क्या है, अब कील ठुकेगी, तो उनने ठक 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 चादर की बक्सा बंद कर दिया। अच्छा भाई, जवान लड़के आ गया, भाई भारी है बॉडी, उठा कर कंधे पे लेके चलने लगे। जब कंधे पर लेके आधे दूर निकल गए, वो पढ़ते जा रहे पाजी साहब, तुम्हारा वन व्याकुल ना हो, तुम खुदा पर विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास रखो, मेरे बाप के घर में रहने का बहुत से मौका, भड़ाक भड़ाक भड़क क्या हो रहा, ओ यार क्या हो रहा क्या हो रहा, भूकंप आया, भूकंप नहीं आया, मुर्दा लाते मार रहा है ढक्कन में। अबे उन्हें नीचे खोल के तोड़ ताड़ के जो देखा, यार कहाँ ले आ रहे तुमने मुझे, अबे क्या चक्कर है, कहाँ है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान क्या हो गया, अबे भैया तू मर गया था, तेरे को ही तो लाए। आप सोचो मुर्दा जिंदा हो गया, उसके बाद जो फ्यूनरल में आए थे उनका क्या हाल होगा, वो कह रहा हूं मैं। वो तो जिंदा हुआ, उसके बाद बड़े शांति से सब लोग घर आएंगे ना, शांति से भैया चाय बना दो, आज फ्यूनरल में गए थे, बहुत देर हो गई ना, 4 बजे का फ्यूनरल था, 6:30 का निपटा, यार बहुत ज़ोर से प्यार वो लग रही, चाय बना अच्छी सी अदरक डाल के, कहेंगे चाय को मारो, कोई कहेगा अरे चाय छोड़ो, सुनो तो हैं, जब मुर्दा जिंदा हो गया, कब्र पे औरतें गई, जब कब्र में नहीं मिला तुम जिंदों को मुर्दों में कहा ढूंढ रही, सारे शहर में हंगामा हो गया, पतरस ने अलग करा, औरतों ने अलग करा, सलोमी ने अलग करा, तो मरियम ने अलग करा, सारे शहर में उधम कट गया, क्यों, जिंदा हो गया। अबे भैया जिंदा तुम हुए थे, हम क्यों परेशान हो, वो ठीक है, गॉड ब्लेस यू, तुम जिंदा हो गए तो अच्छा हो, तुम्हारे साथ अच्छा हो गया, भाई ठीक है, अब घर चलो, ड्यूटी में तो जाना है। लोगों ने छुट्टी लेके सारे, वो आजकल तो चल रहे हैं व्हाट्सएप पे, किसका ग्रुप है व्हाट्सएप पे, नेट पे, कौन कौन सी न्यूज़ वायरल होती हैं आजकल, है ये सारी न्यूज़ सारे दुनिया में वायरल हो जाएगी कि मुर्दा जिंदा होगा, उसकी फ़ोटो तक ले जाएंगे लोग, जाने कहाँ से ढूंढ ढांड के मोबाइल में उसका सब बना के इंटरव्यू तक छाप देंगे कि देखो मरे का ये चल रहा फ्यूनरल और ये देखो उसके बाद का। तो जब कोई घटना घटती है, है? अच्छा यार आमीन है ना, तो यीशु मसीह जब कोई काम करता है तो ऐसा हिला के धर देता है, और लोग तो कलीसिया है, कोशिश कर रही है और बढ़िया बात है, और शैतान पूरी कोशिश करता है कि कलीसिया में चलते हुए पानी पे ठंडक डाल दे। आई बिलीव इट्स कमिंग टू ए टाइम टिल व्हेन द सेंट्स विल गेट टुगेदर। मैं सोचता हूँ कि ऐसा समय आ रहा है कि संत लोग, संत वही होंगे जिनके बस का है, जो बस वाले हैं, जिन्होंने अपने दिल में रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं है इसमें, लाइक दिस एंड जस्ट ए लव स्पिरिट विल जस्ट स्वीप ओवर द ऑडियंस, और एक प्यार भरा है आत्मा सारे ऑडियंस पे, सुनने वालों पे, एक ऐसा स्वीप करके चला जाएगा, एंड जस्ट एवरी पर्सन इन देयर, ऑल दैट इज रॉन्ग विल बी टेकन आउट। लोग प्यार के बंधन में ऐसे बंध जाएंगे कि जो गलत लोग हैं उनके साथ सहमत नहीं है, वो सब अलग हो जाएंगे, विल बी टेकन आउट, इट विल बी सच ए प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, और पवित्र आत्मा की ऐसी प्रेजेंस भर जाएगी। तो मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे वो ये वाली बात है मैसेज की खात्मे पर, कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमको और आपको प्रॉमिस किया है, एक नहीं, अगर आपसे पूछा कितने प्रॉमिसेस हैं, गिना पाएगा कोई, कोई नहीं गिना पाएगा। यीशु मसीह ने जो, चलो पुराना नियम छोड़ दो, नए नियम में विश्वासियों से जितने वायदे किए हैं वो सब हमारा प्रॉमिस लैंड है, पवित्र आत्मा में होने के नाते से, और हमको दिए हैं, और आखिर में मैं कहूं कि इन सबको निचोड़ के ले आओ तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और एडॉप्शन पे आ जाओ। एडॉप्शन पे जब आपको एडॉप्ट किया जा रहा है, अथॉरिटी दी जा रही है, पावर दी जा रही है, पोजीशनिंग करी जा रही है, उस समय आप कब्जे कर करके अपनी पोजीशन हासिल कर रहे हैं। तो आज का मैसेज हमको बता रहा है, मेक योर फुटप्रिंट्स, पिछली बार भी था एडॉप्शन में, एडॉप्शन खुदा करेगा, उसका जो एडॉप्शन के लिए ट्रेनिंग लेगा, जो एडॉप्शन के लिए कर्म करेगा, देखा था कि नहीं पिछली बार,
एडॉप्ट खुदा नहीं करेगा कि निखत को कर लेगा, वो कहेगा इसने ये सब सीखा है, मैंने पवित्र आत्मा भेजा, टीचर भेजा, इसने ट्रेनिंग ली है, सीखा है, प्रैक्टिस करी है, और अब मैं इसे एडॉप्ट कर रहा हूँ कि अब ये मेरा एडॉप्टेड चाइल्ड है, अर्थात मेरा उत्तराधिकारी है। तो इसी एडॉप्शन के प्रोसेस में आप इसे लीजिए ना, कि तुम्हें प्रॉमिस करे हैं, टीचर भेजा है, एंजल भेजा है, प्रॉफिट भेजा है, वर्ड ऑफ गॉड भेजा है, अब आप पोजीशन करो ना, आप कदम रखो ना, दुश्मन से लड़ो ना, और उस नेचर, बिहेवियर, करेक्टर, अथॉरिटी, पावर को पोजेस कर लो जिसको मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख करके कह करके दे दिया। ठीक है ना? सो कौन करेगा? हैं, हाथ उठाना तो बहुत आसान काम होता है, करने वाली बात कर रहा हूँ मैं, है ना? तो जो करना चाहता हो तो भैया ये हाथों में चूड़ियाँ पहन के नहीं होगा काम, ये काम है मजबूती वाला। जो हिम्मत करेगा, जोर लगाएगा, मेहनत करेगा, वो कब्ज़ा कर पाएगा, और जो ऐसा नहीं करेगा वो कब्ज़ा कतई नहीं कर पाएगा। तो अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ मैं ये कह करके, ध्यान रखना हम सब लोग कादेश बर्निया पे हैं, ये है ख़तरनाक बात, हम सभी लोग कादेश बर्निया पर हैं, अर्थात हमारे दिल में जो हमारे कंसेंट हैं खुदा के प्रॉमिसेस के साथ, अगर ओके हैं तो बहुत बढ़िया हम टीम में हैं, और अगर हमारे दिल अंदर से एग्रीमेंट में नहीं हैं तो याद रखना रिजेक्शन का दौर भी आ गया है। कितने एक्सेप्ट होंगे, कितने रिजेक्ट होंगे, इसको ध्यान कीजिए। आइए हम सब खड़े हो जाएं, प्रार्थना में चलेंगे। हम सब खड़े हो जाएं और प्रार्थना में चलेंगे, और उससे पहले उस कोरस को गाएंगे, हम दिखाने के लिए नहीं अपने लिए गाएंगे। हो धन्यवाद तेरा प्रभु आशीषों के लिए, आशीष तो ने बहुत दी हैं, उसके लिए उसका धन्यवाद हो। जय जय उद्घोष करते बढ़ते जाएं हम, केवल गाने गाने के लिए नहीं है, इस उद्घोष जय करो, विक्ट्री करो, फुटप्रिंट्स बनाओ, मेक योर फुटप्रिंट्स, अर्थात पुरानी जिंदगी जहाँ थी उससे आगे बढ़ो, कुछ ऐसा कर गुजरो, कुछ ऐसा कर गुजरो, जैसे कहा जाता दुनियावी लैंग्वेज में, कुछ ऐसा कर गुजरो कि तुम्हारे पीछे जो जनरेशन आ रही है वो याद करे कि हमारे आगे वो निकल चुके हैं, है ना? तो हमसे और आपसे कुछ ऐसा कर गुजरो ना खुदा के लिए, कुछ ऐसा कर गुजरो कि हमारे फुटप्रिंट्स बन जाएं, और खुदावंद कहे हेलो, ठीक है, और खुदावंद कहे जैसे अय्यूब के बारे में कहता है कि शैतान देखा है वो सबसे खरा इंसान, देखा दाऊद मेरे मन के मुताबिक, देखा मूसा सबसे नम्र व्यक्ति, देखा फलाने को, देखा फलाने को, देखा फलाने को, भला खुदा भी फक्र करे कि हमने कुछ ऐसे फुटप्रिंट छोड़ दिए हैं पवित्र आत्मा रूपी पोजीशन में कि वहां से खुदा की ग्लोरी मुजस्सम हो रही है। हो धन्यवाद तेरा प्रभु आशीषों के लिए, आशीषों के लिए ओ धन्यवाद तेरा प्रभु आशीषों के लिए। जय जय उद्घोष करते बढ़ते जाए हम, जय जय उद्घोष करते
सबको करता प्यार तू ही हमारा प्रेमी प्यार हम सबको करता प्यार तुझको ही अर्पण जीवन हमारा आसमान जमीन के खालिक और मालिक हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम और लहू के जरिए से स्वर्गीय पिता आपके सामने हम हाजिर हैं और प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आप समय बस समय हमको अपनी मर्जी बताते रहते हैं, उसमें चलने की इच्छा देते हैं और सामर्थ्य भी देते हैं। आज के संदेश के लिए हम शुक्रगुजार हैं और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आप ना केवल गोशेन को बल्कि समस्त दुनिया में जहाँ कहीं भी आपकी दुल्हन का हिस्सा पाया जाता है सभी को प्रभु आप ऐसी तौफीक बख्श दें ताकि वो पवित्र आत्मा रूपी कनान देश में अपने पोजीशन को हासिल करें, अपने कब्जे को करने पाएँ, जगह जगह जाने पाएँ, जहाँ जहाँ उनके कदम पड़े वो ज़मीन जीत ली जाए, अर्थात उन गुणों को, चरित्र को, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर लें क्योंकि आपने पहले से ही वादा कर दिया है। ओ खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में कोई भी मिक्स मल्टीट्यूड वाला, कोई भी डरने वाला, कोई भी बैकस्लाइड करने वाला, कोई भी पीछे हटने वाला और लोगों को निराश करने वाला, गिराने वाला ना हो, बल्कि हर कोई एक दूसरे को हिम्मत से उठाने वाला, हाथ पकड़ के चलने वाला, राहों में आगे बढ़ने वाला, आत्मा से भरने वाला, वचन में खो जाने वाला हो जाए।
ताकि हम सब मिल करके प्रभु और व्यक्तिगत रूप से भी उस पोजीशन को पालें जो कि आपने प्रॉमिस करी हुई है। इस गोशेन को और समस्त आलमगीर कलीसिया को आप ब्लेस करें। ये छोटी सी विनती अपने प्यारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत हर एक ईमानदार के साथ और ख़ास तौर से गोशेन की कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। लॉर्ड सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रोग्राम